हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिंदेस केमिस्ट्री टेक्निक्स। चलिए अभी हम लेने जा रहे हैं हेलोजन डेरिवेटिव्स पे वन शूट लेक्चर। तो आपका ये 1 घंटा के अंदर या 1 घंटे से थोड़ा आगे पीछे टाइम हो सकता है, उतने में आपका ये चैप्टर में पूरा कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप लोग क्या करो, ये वन शूट लेक्चर ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को शेयर करने की कोशिश करना है आप लोगों को। ओके चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं वन शूट लेक्चर। तो हेलोजन डेरिवेटिव की सबसे पहले हम समझते हैं इसकी डेफिनेशन क्या होता है। देखो मीन्स क्या करते हैं हम लोग, अभी यहां पर ध्यान दीजिए आप लोग। अभी देख लीजिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां पर अभी यहां पर हेलोजन डेरिवेटिव्स बोल रहे हैं। हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन भी हो सकता है और अरेन भी हो सकता है यहां पर। तो आप यहां पे क्या करें, अगर हम लें आर एच अल्केन से एक या एक से ज्यादा हाइड्रोजन एटम रिप्लेस करके हमने क्या बनाया यहाँ पर, देखो अल्काइल हेलाइड, इसको हम क्या बोलेंगे, हेलो अल्केन या एरोमेटिक लिया तो हेलो अरिन बनेगा। तो मींस द रिप्लेसमेंट ऑफ वन और मोर हाइड्रोजन एटम्स ऑफ एलिफेटिक और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बाय करस्पोंडिंग नंबर ऑफ हेलोजन एटम्स आर कॉल्ड हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स बोलना है इसको। हेलोजन हाइड्रोकार्बन मतलब उसमें भी एलिफेटिक भी आ गया आपका और एरोमेटिक भी आ गया आपका। ओके चलिए अब हम देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन, जरा ध्यान देंगे, जरा क्लासिफिकेशन भी जरा हम जरा देख लेते हैं इसका। तो क्लासिफिकेशन तो अभी इसका जो है ना, इसको दो टाइप में हम क्लासिफाई करें, मतलब हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन्स आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। उसमें फर्स्ट आ जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन स्केलेटन, मतलब कार्बन चेन। हाइड्रो स्केलेटन मतलब होता है कार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन स्केलेटन टू विच हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड। द हेलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज हेलो अल्केन्स, हेलो अल्कीन्स, हेलो अल्काइन्स, हेलो अरीन्स। मतलब अगर आपने कार्बन चेन से, अगर आपका क्या यहाँ पर कार्बन चेन से आपका अगर हेलोजन अटैच है तो उसको बोलेंगे हेलो अल्केन्स। हेलो अगर अल्कीन से आपका हेलोजन अटैच है, मतलब ऐसा बोल सकते हैं कि अल्केन से अगर हेलोजन अटैच है तो हेलो अल्केन्स, अगर अल्कीन से हेलोजन अटैच है तो हेलो अल्कीन्स, और अगर अल्काइन से हेलोजन अटैच है तो हेलो अल्काइन्स, और अगर रिंग से अगर आपका हेलोजन अटैच है तो हेलो अरे। ये सिंपल है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। ओके चलिए इतना आपका हो गया क्लासिफिकेशन में फर्स्ट। अब सेकंड देखते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन आइटम्स, तो हेलोजन डेरिवेटिव्स आर क्लासिफाइड एज मोनो डाई और पॉली हेलोजन। अगर एक हेलोजन है तो मोनो, दो हेलोजन है तो डाई, तीन हेलोजन है तो ट्राई, और तीन से ज्यादा है तो पॉली हेलोजन कंपाउंड्स। ओके वन शूट लेक्चर है, इसमें हम लोग सिर्फ इंपॉर्टेंट पॉइंट ही डिस्कशन करने वाले हैं। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोनो हेलोजन कंपाउंड्स को क्लासिफाई करना है, मींस मोनो हेलोजन कंपाउंड्स को हम क्या करते हैं, फर्दर क्लासिफाई कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ क्या कर रहे हैं, एक्चुअली क्या होता है, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन स्टेट होता है, उससे अटैच होना चाहिए आपका हेलोजन। जैसे sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच हेलोजन, एक ये टाइप है आपका मेन आता है, दूसरा आता है sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से हेलोजन। तो यहां पर हम क्या कर रहे हैं कि इसका यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन, उसका बेसिस क्या है, पोजीशन ऑफ हेलोजन आइटम है एंड टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन टू विच हेलोजन इज अटैच, ऐसा रहता है। तो उस बेसिस को हम सबसे पहले डिस्कस कर रहे हैं अल्काइल हेलाइड्स और हेलो अल्केन। अल्काइल हेलाइड कॉमन नेम में आता है, हेलो अल्केन्स IUPAC नेम आएगा। तो आप देखो इसमें क्या करना है आपको, इस अल्काइल हेलाइड में आपको क्या करना है, हेलोजन आइटम किससे अटैच करना है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से। मतलब मान लीजिए अब यहाँ पे मैं लिया CH3, ये कार्बन sp3 है, उससे अटैच आपका हेलोजन। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से आपका क्या अटैच होना चाहिए, हेलोजन। इस बेसिस पे ऐसा हुआ, देखो मींस द इन अल्का हेलाइड्स और हेलो अल्केन्स द हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम, ठीक है। और अल्का हेलाइड में भी प्राइमरी हो सकता है, सेकेंडरी हो सकता है और टर्शरी। मतलब अगर आपका हेलोजन आइटम प्राइमरी कार्बन से अटैच है तो प्राइमरी अल्का हेलाइड, हेलोजन आइटम अगर सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी अल्कहलाइड, और अगर हेलोजन आइटम टर्शरी कार्बन से अटैच है तो टर्शरी अल्कहलाइड। ये बहुत ही सिंपल क्लासिफिकेशन है। अब देखते हैं यहाँ पे सेकेंड अलाइलिक हेलाइड, इसमें क्या करते हैं, अलाइलिक मतलब आपको कार्बन समझ में आना चाहिए। देखो CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका विनाइलिक कार्बन। अब यहाँ पे एक और कार्बन अटैच करते हैं, ये हो गया आपका अलाइलिक और उससे अटैच हेलोजन। तो मतलब यहां पर आपका हेलोजन किससे अटैच है, sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम और नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। देख लीजिए इन अलाइलिक हैलाइड्स हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ऐसा आपको याद रखना है। ओके बन जाएगा ये अलाइलिक हैलाइड्स। अब देखते हैं बेंजाइलिक हैलाइड्स, तो इसमें क्या करते हैं हम लोग, देख लीजिए
है, एक एक फटाफट आपको क्विक रिविजन करा के ले लेता हूँ इसका मैं आपका। देखो यहाँ पर हेलोजन एटम किससे अटैच है, यहाँ पर SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, और नेक्स्ट किससे अटैच है, बेंजीनिंग से, ठीक है ना। मीन्स इन बेंजाइलिक हैलाइड्स हेलोजन आइटम इज अटैच टू SP3 हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम विच इज फर्दर बॉन्डेड टू एरोमेटिक रिंग, और दे मे बी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हो सकता है। अगर हेलोजन आइटम प्राइमरी कार्बन से अटैच है, जैसे आप जैसे यहाँ पर प्राइमरी है तो इसको लेंगे प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड, अगर हेलोजन आइटम सेकेंडरी कार्बन से अटैच है तो सेकेंडरी बेंजाइलिक हैलाइड, और हेलोजन आइटम टर्शरी कार्बन से अटैच है तो टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड बोलेंगे इसको। ओके नेक्स्ट देखते हैं विनाइलिक हैलाइड। इन विनाइलिक हैलाइड हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू SP2 हाइब्रिडाइज, देखो SP2 हाइब्रिडाइज, देखो हेलोजन आइटम किससे अटैच है, देखो ये कार्बन आपका SP2 है, देखो SP2 ये विनाइलिक कार्बन से आपका हेलोजन अटैच है। मतलब क्या बोलेंगे कि इन विनाइलिक हैलाइड हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू SP2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ एलिफेटिक चेन, देखो एलिफेटिक चेन है, और विनाइलिक हैलाइड को हम और एक नाम देते हैं यहाँ पर हेलो अल्कीन भी बोलते हैं विनाइलिक हैलाइड को, ये याद रखना है हेलो अल्कीन, विनाइलिक हैलाइड ऑल्सो नोन एज हेलो अल्कीन्स। ओके चलिए अब देखते हैं हेलो अल्काइन्स। हेलो अल्काइन्स में क्या होगा, हेलोजन आइटम किससे अटैच होगा, यहाँ पे देखिए हेलोजन आइटम किससे अटैच करना है आपको, अल्काइन से अटैच करना है तो उसको बोलते हैं, और यहाँ पे मतलब हेलोजन ऐसे बोल सकते हैं कि SP कार्बन से अटैच, ये भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, ठीक है। मीन्स देखो व्हेन अ हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू SP हाइब्रिडाइज कार्बन आइटम इज कॉल्ड हेलो अल्काइन, एक ही बात है, SP ट्रिपल बॉन्ड में आता है हमेशा। ओके या फिर हेलोजन आइटम अटैच टू अल्काइन्स भी बोल सकते हैं आप चाहो तो, ये भी एक तरीका बोलेगा। ओके नाउ नेक्स्ट है अराइल हैलाइड और हेलोरिन, तो इसमें हम क्या करते हैं हेलोजन आइटम को बेंजीन रिंग से अटैच करते हैं इसके अंदर, देखो मतलब SP2 हाइब्रिडाइज हेलोजन किस होगा, SP2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच होगा ऐसा बोलेंगे। ये देखिए इन अराइल हैलाइड्स हेलोजन आइटम इज बॉन्डेड टू SP2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम, ठीक है ना, ऑफ एरोमेटिक रिंग, यहाँ भी कर सकते हैं ऑफ एरोमेटिक रिंग, ठीक है, सेंट हुआ ऑफ प्रिंटिंग हुआ है, हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका सिंपल सा क्लासिफिकेशन, मैंने बहुत जल्दी कवर करने की पूरी कोशिश की है उसको, ठीक है। अब हम नॉमेक्लेचर एक बार शॉर्ट में बताता हूँ कैसे करना है इसको आपको, तो देखो नॉमेक्लेचर ऑफ हेलोजन डेरिवेटिव से, तो उसको कॉमन नेम्स में क्या करना है, कॉमन नेम को हम ट्राइवल नेम भी बोलते हैं, इसमें आपको वर्ड यूज करना है अल्काइल हैलाइड, सेपरेट वर्ड यूज करना है, और IUPAC नेम है हेलो अल्केन, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके आपको मैं इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए अभी एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिया CH3CH2, यहाँ पे लिया क्लोरीन, देखो कॉमन नेम क्या बोला अल्काइल हैलाइड, अल्काइल ग्रुप क्या है इसमें, इथाइल, तो इथाइल लिख दिया मैंने इथाइल, ओके। उसके बाद हैलाइड क्या है, क्लोराइड, तो इथाइल क्लोराइड, ओके इथाइल क्लोराइड। अब IUPAC क्या, हेलो अल्केन, हेलो क्या है यहाँ पे, क्लोरो, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया क्लोरो, ध्यान से देखिए जरा क्लोरो, ओके। अब अल्केन क्या है, दो कार्बन, तो इथेन, क्लोरो इथेन, ऐसे आपको करते जाना है, और अगर स्ट्रेट चेन है तो नॉर्मल प्रीफिक्स, ब्रांचिंग है तो आइसो, सेकेंडरी, टर्शरी, नियो, आपको ऐसा यूज करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए इतना आप कर सकते हैं, रूल समझा दिया, बाकी आप प्रैक्टिस करके आप देख लीजिए इसमें। अब हम आते हैं इसके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड, तो यहाँ पे टोटल फोर प्रिपरेशन मेथड्स है आपके यहाँ पर, फर्स्ट है फ्रॉम अल्कोहल, सेकेंड है फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, थर्ड है बाय हेलोजन एक्शन मेथड, और फोर्थ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ओके अब एक एक मेथड हम यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं, देखते हैं पहला है यहाँ पर फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल में लेते हैं, तो अल्कोहल में जो OH ग्रुप होता है ये तीन रिएजेंट से रिप्लेस होता है, एक तो हाइड्रोजन हैलाइड, दूसरा फॉस्फोरस हैलाइड में फॉस्फोरस ट्राहैलाइड और फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड, और फिर थायोनिल क्लोराइड, मतलब फॉस्फोलाइड में दो आ जाता है आपका, क्या आता है फॉस्फोलाइड में दो आने वाले हैं, ठीक है ना। तो देखो अभी हमने अल्कोहल को क्या किया, हाइड्रोजन हैलाइड से रिएक्शन किया, तो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, ये जो हेलोजन है ये इस OH को यहाँ से रिप्लेस करेगा, OH यहाँ पर आ जाएगा, तो आपको बनेगा अल्काइल हैलाइड, देख लीजिए, और ये OH और H कंबाइन करके, तो OH और H कंबाइन करके क्या बनाएंगे यहाँ पर आपका वाटर, मतलब OH और H, सॉरी OH और H बोलना है, मेरा सर्कल इस पे हो गया, OH और H को हम क्या करेंगे कंबाइन करके वाटर बाहर निकालेंगे। देखो अब इसमें आपको ये याद रखना है कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल क्या होगा, टर्शियरी एल्कोहल मोर रिएक्टिव देन सेकंड एल्कोहल, सेकंड एल्कोहल मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी एल्कोहल, और उसके फिर आपको याद रखना है यहाँ पे रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजेलाइड इज, तो HI मोर रिएक्टिव देन HBr, HBr मोर रिएक्टिव देन HCl, अब ऐसे इसको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी रिएक्शन करके पूरे एग्जांपल बना सकते हैं। अगर आपने HI लिया तो अल्काइल हैलाइड बनेगा, HBr लिया तो अल्काइल ब्रोमाइड बनेगा,
HCl या तो अल्काइल क्लोराइड बनेगा। ऐसे आप सारे एग्जांपल करके देख ली, ये मैंने जनरल समझा दिया है, जनरल में सब कवर हो गया है। हेलोजन तो चेंज करना है, फिर उसके बाद भी आपको प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कवर लेना है आपको। ओके ये बन जाएगा आपसे ये, तो रिएक्शन विद हाइड्रोहैलाइड। तो अभी याद रखना है अल्कोहल रिएक्ट्स विद हाइड्रोहैलाइड टू फॉर्म अल्काइल हैलाइड। आपको ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल याद रखना है एंड रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड याद रखना है यहाँ पर। मतलब एच आई मोर रिएक्टिव देन एच बी आर, एच बी आर मोर रिएक्टिव देन एच सी एल। ऐसे आप सारे एग्जाम्पल करके देखिए इसके, ये मैंने ऑल इन वन कर दिया सबके साथ, एच आई एच बी आर एच सी एल तीनों के साथ करके देखना है आपको। मैंने ये एक ही इसमें सब कवर कर दिया। अब आप रिएक्शन लिख के देखिए। ओके चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, अब रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड देखते हैं। क्या करते हैं, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस हैलाइड, ध्यान से देखिए जरा भी। फॉस्फोरस हैलाइड आपको मालूम है दो टाइप के होते हैं, एक फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड और दूसरा फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड। तो मैं सबसे पहले लेने वाला हूँ रिएक्शन, रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड लूंगा। देखो उसके अंदर मैं ट्राइहैलाइड में लेता हूँ पहले रिएक्शन विथ फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड। देखो अब हमने यहाँ पे क्या क्या देखिए, एल्कोहल यहाँ पे आप ले सकते हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, ठीक है ना। तो एल्कोहल को हम किससे रिएक्शन, पीसीएल थ्री के साथ किया। जब जब हम पीसीएल थ्री मतलब फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड लेंगे तो थ्री क्लोरीन थ्री ओ एच को, देखो यहाँ थ्री दिखा ये थ्री, थ्री एच को रिप्लेस करेंगे, थ्री ओ एच यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका अल्काइल क्लोराइड, ठीक है ना। ओके तो अभी यहाँ पर बाय बाय प्रोडक्ट देखो, तीन एच है, तीन ऑक्सीजन है, एक फॉस्फोरस, ये कंबाइन करके बनेगा फॉस्फोरस एसिड। क्या बनाते हैं यहाँ पर, ये फॉस्फोरस एसिड, अल्काइल क्लोराइड बना और फॉस्फोरस एसिड। अब यहाँ पे आप एग्जाम्पल लीजिए, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड अल्कोहल, टर्शियरी। मैंने इस यहाँ पर आपको जनरल रिएक्शन बता रहा हूँ, मैं आपको सारे जनरल बताऊंगा, आपको क्या करना है एग्जाम्पल्स बना बना के देखने हैं, क्योंकि अभी वन शूट लेक्चर में हमको ऐसे ही करना पड़ेगा यहाँ पर। ओके तो ये रिविजन है आपका, एक्चुअली इट इज अ रिविजन आपका, ये हेलोजन ड्यूटी का पूरा रिविजन है आपका, कर सकते हैं अभी। तो यहाँ पे आप प्राइमरी अल्कोहल रख लीजिए, सिर्फ ओ एच रिप्लेस करना है। तो यहाँ पे ये जो रिएक्शन होगा ये आपकी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। क्यों है कि न्यूक्लियर सब्स्टिट्यूशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्लोराइड किसको रिप्लेस कर रहा है, हाइड्रोक्साइड को, ऐसा। तो अल्कोहल के सारे रिएक्शन न्यूक्लियर, मैं एक ही वर्ड से बोल रहा हूँ कि ऑल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल कैसा रहता है आपका, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब हैलाइड आपको हाइड्रोक्साइड को रिप्लेस करेगा। फिर आप कुछ भी ले लीजिए इसके अंदर, पीसीएल थ्री, पीसीएल फाइव, थायलोक्लोराइड, ठीक है ना, या फिर हाइड्रोजन लाइट। ओके समझ आ रहा है आपको। चलिए अब हम क्या करते हैं यहाँ पर, हो गया अभी आपका, तो चलिए एक मिनट, ये हो गया आपका, क्लियर हो गया। चलिए अब देखते हैं रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अब याद रखना है कि फॉस्फोरस ट्राइहैलाइड की बात अगर हम करते हैं तो ट्राइहैलाइड में आपको एक बात ध्यान देना जा रहा है, यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड स्टेबल होता है और फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड ये दोनों जो रहेंगे ये लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। इसको हम लोग किससे बनाएंगे, C2 रिएक्शन, मतलब उसको C2 कह लो, उसको C2 बोलते हैं, SITU C2 रिएक्शन बनाते हैं। देखो कैसे बनाएगा, देखो रेड फॉस्फोरस को ब्रोमी, देख रहा है रेड फॉस्फोरस ब्रोमी से रिएक्शन किया तो क्या बनेगा, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। मतलब यहाँ पर फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड कैसा हो गया, यहाँ पर इंटरमीडिएट हो गया, कैसा हो गया यहाँ पर, इंटरमीडिएट हो गया यहाँ पर, इंटरमीडिएट, ठीक है। इन दोनों के रिएक्शन आपका रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन से रिएक्शन करके क्या बनाया, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड। अब ये ब्रोमाइड आयन इस हाइड्रोक्साइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा तो क्या बनेगा, अल्काइल ब्रोमाइड, और बाय प्रोडक्ट फिक्स रहता है ट्राइहैलाइड में, बाय प्रोडक्ट फिक्स रहेगा H3PO3 फिक्स रहेगा, ये बात आपको याद रखना है। अब यहाँ पे आप प्राइमरी अल्कोहल हो, सेकेंड लो, टर्शियरी लो, तो समझ आ रहा है ना आपको। एक बात ये बिल्कुल क्लियर रख लीजिए कि फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर एंड फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड प्रिपेयर्ड बाय C2 रिएक्शन, ये याद रखना है। रिएक्शन इन रिएक्शन को C2 रिएक्शन बोलते हैं, मतलब रेड फॉस्फोरस ब्रोमीन से रिएक्शन करके क्या बना रहा है, फॉस्फोरस ट्राइब्रोमाइड, ये इंटरमीडिएट हो गया। अब ये रिएक्ट कर रहा है अल्कोहल के साथ, इसलिए इसको ऐसे रिएक्शन बोलते हैं C2 रिएक्शन। C2 रिएक्शन कब यूज करना है, जब आपका अटैकिंग रिएजेंट कैसा होता है, लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। ओके ये ध्यान रखना है आपको, क्लियर। चलिए अब देखते हैं यहाँ पर रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड। देखो अभी अब ट्राइआयोडाइड भी कैसा होता है, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड भी कैसा होता है, लेस स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, उसको भी हम C2 रिएक्शंस बनाएंगे, इसको भी हमने किससे, C2 रिएक्शंस बना रहे हैं। तो देखो रेड फॉस्फोरस रिएक्ट विद फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड, तो क्या बनेगा उससे, फॉस्फोरस ट्राइआयोडाइड बन गया, और ये ट्राइआयोडाइड क्या करेगा, इस OH को यहाँ से रिप्लेस कर देगा और बनाएगा आपका अल्काइल। बाय प्रोडक्ट फिक्स है H3PO3, मतलब
फॉस्फोरस एसिड बनाना है, मतलब बनाना है। और यहाँ पे आप कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी। देखो एग्जाम्पल यहाँ पे आपको फिक्स रहते हैं, प्राइमरी में मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, एन प्रोपाइल अल्कोहल, ये ज्यादा होती है, या फिर ज्यादा एन ब्यूटाइल। सेकेंडरी में क्या होता है, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल और सेकेंडरी ब्यूटाइल है, टर्शियरी में टर्शियरी ब्यूटाइल, यही फिक्स एग्जाम्पल रहते हैं इसके। इसके बाहर कोई ज्यादा पूछता नहीं है, ठीक है ना। आया तो आना चाहिए आपको, ऐसे तो आपको अल्काइल ग्रुप्स 20 याद होने चाहिए ऐसे तो। ओके चलिए अब हम आगे मूव करते हैं, रिएक्शन विद फॉस्फोरस पेंटहैलाइड। फॉस्फोरस पेंटहैलाइड आपको याद रखना है कि पेंटहैलाइड में फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड जो होता है वो स्टेबल होता है, एक ही स्टेबल है यहाँ पे ध्यान रखना है। और फॉस्फोरस पेंटा ब्रोमाइड एंड फॉस्फोरस पेंटा आयोडाइड जो रहता है ये अननोन है, ये कैसा है यहाँ पर, अननोन। अननोन बोल रहा हूँ मैं यहाँ पे, ध्यान रखना जरा, अननोन। अननोन मतलब इस दुनिया में नहीं है, मतलब फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से क्या नहीं बना सकते, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड फॉर्म नहीं कर सकते, ये ध्यान रखना है। फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड से क्या नहीं बना सकते, अल्काइल ब्रोमाइड एंड अल्काइल आयोडाइड नहीं बने, क्योंकि फॉस्फोरस पेंटाहैलाइड अननोन, पेंटा ब्रोमाइड अननोन, इस दुनिया में नहीं है। तो इसलिए अभी एक ही नोन है, पीस फॉस्फोरस पेंटा क्लोराइड, तो क्लोराइड इस ओएच को रिप्लेस करेगा, ओएच यहाँ पर आ जाएगा, आपको बनेगा अल्काइल क्लोराइड, बाय प्रोडक्ट HCl और POCl3 बनने वाला है, ध्यान रहेगा। अब यहाँ पे आप चाहो तो प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंड अल्कोहल, टर्श अल्कोहल, कोई भी अल्कोहल ले सकते हैं, मतलब अल्कोहल की जो सारी जो रिएक्शन है वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, देखो सभी रिएक्शन, ठीक है। अब एक और बची है, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, मतलब थायोनिल क्लोराइड का जो दूसरा नाम है वो क्या है, सल्फोनिल क्लोराइड, याद रखना है। ओके मैं मेन मेन पॉइंट्स पूरे डिस्कस कर रहा हूँ, पूरे मेन मेन पॉइंट्स कवर कर दूंगा, उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाता है। अब देखो हमने अल्कोहल, मतलब वही प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, इसको किससे रिएक्शन किया, थायोनिल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ पायरेडीन, ठीक है ना, पायरेडीन ये बेस होता है, वीक बेस होता है। तो देखो क्लोराइड इस ओएच को रिप्लेस करेगा, ओएच यहाँ पर आ गया, बन गया आपका अल्काइल क्लोराइड, और इससे बनेगा आपका प्योर अल्काइल क्लोराइड। और बाय प्रोडक्ट क्यों प्योर बनेगा, क्योंकि बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ये दोनों दोनों गैस है, दोनों गैस क्या होता है, रिएक्शन मिक्सचर से उड़ जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं, एस्केप कर जाते हैं, तो आपका क्या बचेगा, सिर्फ प्योर अल्काइल क्लोराइड। और बाय चांस अगर थोड़ा बहुत HCl बच गया तो ये पायरिडिन क्या करेगा, इस HCl से रिएक्शन करके वहां पे उसको सॉल्ट बना के उसको फिल्टर करके सेपरेट कर सकते हैं, बाय चांस बच गया, तो इसलिए हमने प्रिकॉशन के लिए पायरिडिन लिया है। तो पायरिडिन का रोल क्या है, पायरिडिन इज ए बेस विच रिएक्ट्स विद HCl टू फॉर्म PPT एंड विच कैन बी रिमूव बाय फिल्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे आप प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी ले सकते हैं, और देखो इससे आपका प्योर अल्काइल क्लोराइड बन रहा है, इसलिए इसको हम थायोनिल क्लोराइड को हम ऐसा बोल सकते हैं, थायोनिल क्लोराइड इज द बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट, ये ऐसा वर्ड आ सकता है, क्लोरीनेटिंग एजेंट, ठीक है ना। तो इसको बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये प्योर अल्काइल क्लोराइड बनाता है, इसको बेस्ट क्लोरीनेटिंग एजेंट भी बोल देते हैं। बिल्कुल क्लियर बच्चा, कोई प्रॉब्लम, समझ में आ रहा है सभी को, यस बहुत अच्छी तरह से बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं है। अगर आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा तो ये बहुत जल्दी, ये रिवीजन है ना बेटा, वन शूट मतलब रिवीजन, तो रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, है ना, तो ये क्विक में पूरा हो जाता है। ओके फिर कल आप लोगों का इस पर टेस्ट है, वो वेबसाइट नीचे आपको लिंक देने वाला हूँ मैं, आपको लिंक में क्लिक करेंगे वेबसाइट जाके आपको अपने वहाँ पे टेस्ट देना है। टेस्ट जो होगा सुबह 7 से लेके शाम को 7 बजे तक, और रात को 8 बजे के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। ओके बेटा चलिए अब लेते हैं सेकंड प्रिपरेशन में, तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन लेते हैं, हाइड्रोकार्बन पहले लेते हैं, तो यहाँ पर हम सिमेट्रिकल अल्किन ले रहे हैं, सिमेट्रिकल अल्किन मतलब पहले क्या, अगर हम देखा जाए तो इसको हम इसको ऐसा ही बोल सकते हैं अभी यहाँ पर हम लोग, तो मैं क्या कर रहा हूँ देख लीजिए यहाँ पर, इसका रोल ज्यादा है इसलिए ले रहा है यहाँ पर, तो इसको हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए, तो इसको हम चाहो तो दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पहले लेते हैं फ्रॉम अल्कीन ऐसा बोलेंगे, फ्रॉम अल्कीन ऐसा बोलेंगे, अल्कीन से कर रहे हैं इसको हम लोग, तो अल्कीन दो टाइप के ले रहे हैं, एक तो सिमेट्रिकल अल्कीन और दूसरा अनसिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल अल्कीन लेंगे मतलब देखो सिमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, अगर हम डबल बॉन्ड से इसको ब्रेक करते हैं तो दोनों साइड सेम नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स है, इसको सिमेट्रिकल अल्कीन बोलेंगे। तो ठीक है अब देखो क्लियर हो गया, उसका मीनिंग क्लियर है, मीनिंग क्लियर करते जा रहा हूँ आपको, ठीक है ना, सिमेट्रिकल अल्किन समझ में आ गया आपको। अब देखिए यहाँ पर, तो अभी आपको क्या करना है, देखो अभी सिमेट्रिकल है तो H को मैंने यहाँ पे अटैक किया और X को उसके ऑपोजिट अटैक किया मैंने, और इसका X का ये पाई बॉन्ड ब्रेक कर दिया, क्या बनेगा देखो, इथाइल हैलाइड। अब हैलाइड क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन ले सकते हैं आप,
इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, इथाइल हैलाइड, ऐसा। तो सिमेट्रिकल में सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बनेगा, उसको हम बोलते हैं अल्काइल हैलाइड, सिमेट्रिकल अल्किन से, ठीक है ना, क्लियर है। अब हम लेते हैं अनसिमेट्रिकल अल्किन, अनसिमेट्रिकल अल्किन से दो प्रोडक्ट बनेंगे, एक मेजर और एक माइनर। तो यहाँ पे लिखने वाला है मार्कोनिकोफ्स रूल, कौन सा रूल यूज करेंगे अनसिमेट्रिकल अल्किन में, मार्कोनिकोफ्स रूल, याद रखना जरा। तो यहाँ पे क्या होता है मार्कोनिकोफ, देखो एच एक्स जो है एक्स पर माइनस चार्ज है, एच पर प्लस चार्ज। देखो ये एक्स कहाँ पर जाएगा, नेगेटिव वाला पार्ट कहाँ जाता है, ये अनसिमेट्रिकल अल्किन है ना, ये मतलब अनसिमेट्रिकल रीजेंट, सॉरी अनसिमेट्रिकल रीजेंट किस पे अटैक करता है, अनसिमेट्रिकल अल्किन पे। तो जो नेगेटिव पार्ट है कहाँ पे अटैक करेगा, जिस कार्बन पे सबसे कम हाइड्रोजन है, ओके, और हाइड्रोजन के ऑपोजिट साइड, तो बन जाएगा आपका ये मेजर ब्रो। यहाँ पे सेकेंडरी, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, इसको जनरल में बोलूंगा सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड बोलने वाला हूँ इसको मैं, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड, ये यहाँ पर मेजर होगा, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पर मेजर, ओके, सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा, प्राइमरी अल्काइल हैलाइड जो होगा वो माइनर प्रोडक्ट होगा यहाँ पर, कैसा होगा यहाँ पर, माइनर प्रोडक्ट होगा यहाँ पर माइनर, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द रूल ये आपका जो है ना ये मार्कोनिकोफ्स रूल से बना है ना। अब हेलोजन आप क्या ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन, आप सबके साथ अप्लाई कर सकते हैं, और आपको मालूम है कि एच आई मोर रिएक्टिव देन एच बी आर, एच बी आर मोर रिएक्टिव देन एच सी एच सी एल, ऐसा आपको करना है। तो ये ऐसा कर लेना, आप कोई भी एग्जाम्पल बना सकते हैं, मार्कोनिकोफ लगाना है, मार्कोनिकोफ में क्या बोला है, व्हेन अनसिमेट्रिकल रिएजेंट इज एडेड टू अनसिमेट्रिकल अल्किन द नेगेटिव पार्ट ऑफ द रिएजेंट गेट्स अटैच्ड टू दैट अनसैचुरेटेड कार्बन आइटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम। या फिर यहाँ पर एक सबसे बेस्ट है कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी भी आप कर सकते हैं, एक मिनट, यहाँ का एक कार्बन कम हो गया है, यहाँ एक कार्बन कम है बेटा, आप कर दिया, आप करेक्ट हो गया। तो कब यहाँ पर आएगा आपका, सॉरी इसको हटाना पड़ेगा मेरे को, यहाँ हटाना पड़ेगा, एक मिनट, हाँ, तो इस पर प्लस चार्ज होगा, ये प्राइमरी अल्काइल, प्राइमरी कार्बोकेटाइन, ये सेकेंडरी। तो अब यहाँ पे कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी भी चल सकते हो, टर्शरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन सेकेंडरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन प्राइमरी कार्बोकेटाइन। और ये जो रिएक्शन है इट इज अ इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, सिमेट्रिकल जो अल्किन था वो भी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ये भी आपका कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, ओके, क्लियर हो गया अभी आपका ये। अब एग्जाम्पल आपको जो बनाना है बना सकते हो यहाँ पर अभी आप, ओके, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट, आप परोक्साइड इफेक्ट देखते हैं अब यहाँ पर हम लोग। परोक्साइड इफेक्ट में क्या होता है कि हम यहाँ पे परोक्साइड के प्रेजेंस में करते हैं, ठीक है ना, या तो वर्ड्स में लिखा होगा परोक्साइड, या फिर कोई एग्जाम्पल होगा, मान लीजिए हाइड्रोजन परोक्साइड, बेरियम परोक्साइड, या फिर आपको वहाँ पे दे दिया बेंजोइल परोक्साइड, कोई भी परोक्साइड दे दिया उन्होंने, ठीक है, तब होगा। तो अब यहाँ पे एंड जो परोक्साइड इफेक्ट को हम क्या बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ बोलते हैं, एंटी मार्कोनिकोफ रूल बोलते हैं इसको, यहाँ पे लगता है यहाँ पे एंटी मार्कोनिकोफ, इसको परोक्साइड इफेक्ट, मायो खराश इफेक्ट बोल सकते हैं इसको, क्या बोल सकते हैं इसको आप यहाँ पर, मायो खराश इफेक्ट भी बोल सकते हैं आप इसको यहाँ पे, ठीक है ना, मायो खराश इफेक्ट, दो साइंटिस्ट ने एक साथ किया था ना वो उसके लिए, ठीक है, और इसको एंटी मार्कोनिकोफ रूल बोलते हैं, एबनॉर्मल एडिशन बोल सकते हैं उसको। तो इसमें उल्टा कर दीजिए, जो नेगेटिव पार्ट है कहाँ ले जाएंगे, जिस कारण सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन उसके ऑपोजिट साइड, ये बन गया। देखो अगर हम किसके हिसाब जाते हैं, मार्कोनिकोफ के हिसाब से, देखो जो माइनर है वो मेजर हो जाएगा और जो मेजर है वो माइनर हो जाएगा, लेकिन अभी परोक्साइड इफेक्ट में ये मेजर है, माइनर जो है वो मेजर है और जो मेजर था वो माइनर हो गया है यहाँ पर। तो परोक्साइड में देखो वन ब्रोमो प्रोपेन मतलब प्राइमरी अल्काइल हैलाइड, देखो जनरल बोल रहा हूँ प्राइमरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे मेजर, और मार्कोनिकोफ रूल लगाने से सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड मेजर होता है, और जो माइनर प्रोडक्ट ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड यहाँ पे माइनर होगा, सेकेंडरी अल्काइल, मैं जनरल बता रहा हूँ यहाँ पर, जनरल से भी आपका काम चल जाएगा, मतलब सीखना है, कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, रट्टा मारेंगे तो आप भूल जाएंगे सब कुछ, सिर्फ समझ लिया तो शॉर्ट शॉर्ट में ऐसे समझते चलना है। तो मतलब परोक्साइड इफेक्ट में एंटी मार्कोनिकोफ रूल यूज करना है बस, खत्म। तो एक दूसरे का परोक्साइड एक नहीं होता, देखना है एग्जाम में, परोक्साइड है तो एंटी मार्कोनिकोफ, परोक्साइड नहीं तो मार्कोनिकोफ, अगर परोक्साइड हटा देता हूँ तो ये जो माइनर प्रोडक्ट है मेजर हो जाएगा और जो मेजर है वो माइनर हो जाएगा, मालूम है क्या, परोक्साइड हटा दिया तो, ओके। और ये जो परोक्साइड इफेक्ट है ये होता है फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, क्या होगा, फ्री रेडिकल, देखो परोक्साइड इफेक्ट इज फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन होता है, क्यों होता है, दिस इफेक्ट इज ऑनली ट्रू फॉर एडिशन ऑफ HBr, सिर्फ HBr के लिए एप्लीकेबल होगा, HCl और HI के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये, दिस इफेक्ट इज ऑनली ट्रू फॉर एडिशन ऑफ HBr एंड नॉट फॉर HCl और HI, उसका रीजन समझ लीजिए, पहला मैं दे रहा हूँ यहाँ पर, बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है HI की वो लो होती है, कितनी होती है, 363.7 किलोजूल पर मोल होती है
मैंने वैल्यू के साथ लिखा हुआ यहाँ पर। और ये क्या फॉर्म करेगा आपका, एच आई फॉर्म करेगा आपका आयोडीन फ्री रेडिकल। ये डॉट थोड़ा बहुत बारीक दिख रहा है, मैंने बड़ा कर दिया। तो आयोडीन फ्री रेडिकल इस फॉर्म, लेकिन जो आयोडीन फ्री रेडिकल जो होता है वो हाईली अनस्टेबल है, तो वो क्या करेगा कंबाइंस विद अनदर आयोडीन फ्री रेडिकल, दूसरे आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन करके क्या बनाएगा वो आई टू बना लेगा आयोडीन मॉलिक्यूल, एंड रेदर देन अटैक ऑफ डबल, जबकि उसको अक्रॉस डबल बॉन्ड अटैक करना नहीं करता है, क्योंकि जो आयोडीन फ्री रेडिकल है वो हाईली अनस्टेबल, दो आयोडीन फ्री रेडिकल कंबाइन करके एच आई टू बना लेते हैं, मतलब आयोडीन मॉलिक्यूल, तो उससे एच आई हो गया कैंसल। चलो इसको कैंसिल कर दिया। अब भाई एच सी एल का क्या प्रॉब्लम है, ये कैंसिल क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एच सी एल की जो एनर्जी बहुत हाई होती है 430.5 किलो जूल पर मोल, एंड इट इज इट कैन नॉट बी ब्रोकन बाय परऑक्साइड, तो इसलिए फ्री रेडिकल बनेगा ही नहीं इसमें, ठीक है ना। तो परऑक्साइड क्या करता है, फ्री रेडिकल फॉर्म ही नहीं करता, ठीक है ना, इसलिए ये भी कैंसिल। अब ये एच बी आर क्यों है, इसको मतलब कि इसमें एप्लीकेबल क्यों है, देख बताते हैं अभी। तो बॉन्ड एंथैल्पी जो होती है इसकी, या बॉन्ड एनर्जी होती है इसकी, 367.7, ना कम ना ज्यादा, इंटरमीडिएट है, इज सफिशियंट टू फॉर्म फ्री रेडिकल। तो ब्रोमीन फ्री रेडिकल बनेगा और वो अटैक करेगा अक्रॉस डबल बॉन्ड, अटैक करेगा अक्रॉस डबल बॉन्ड। इसलिए अब हम एक ही वर्ड में ऐसा बोलेंगे कि परऑक्साइड इफेक्ट में एचबीआर क्यों यूज करते हैं, क्योंकि एचबीआर की जो एनर्जी है फ्री रेडिकल एडिशन के साथ मैच हो जाती है, ऐसा बोलेंगे, एक ही वर्ड बोलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, अब हम लेते हैं थर्ड प्रिपरेशन मेथड बाय हेलोजन एक्शन मेथड। मैं इसको एक ही लाइन में पूरा समझाने वाला हूँ, फिनक्लिस्टन रिएक्शन। इससे क्या बनेगा, ओनली अल्काइल आयोडाइड बनता है, इससे क्या बनता है, अल्काइल आयोडाइड बनता है भाई इससे ही। तो इसमें क्या करते हैं, अल्काइल हैलाइड को सोडियम आयोडाइड से रिएक्शन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो और क्या बनेगा, देखिए अभी ये आयोडाइड इस हैलाइड को रिप्लेस कर, हैलाइड क्या लेंगे यहाँ पे, क्लोराइड लेंगे या फिर ब्रोमाइड, बस। अब आयोडाइड तो बनाना है ना भाई, तो आयोडाइड लेंगे, फ्लोराइड से बनता नहीं है। फिनक्लिस्टन रिएक्शन, नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट रहती है, सभी नेम रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है ना। तो अभी यहाँ पर अल्काइल क्लोराइड या अल्काइल ब्रोमाइड लेंगे, तो ये आयोडाइड क्लोराइड या ब्रोमाइड को रिप्लेस करेगा, और क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड, और यहाँ बनेगा सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड, ठीक है ना। अब ये ड्राई एसीटोन क्यों लिया, ड्राई एसीटोन मतलब होता है, देखो ड्राई एसीटोन का जो मीनिंग है, ड्राई एसीटोन इसका मतलब होता है एसीटोन, मतलब प्योर एसीटोन बोलेंगे शॉर्ट में, क्या बोलेंगे, प्योर एसीटोन, इसका मतलब ये होता है प्योर एसीटोन, ओके, इसका मीनिंग ये हो गया, ठीक है, मतलब एसीटोन फ्री फ्रॉम मॉइस्चर। और इसका रोल क्या होता है, रोल क्या होता है, ये ड्राई एसीटोन क्या करेगा, सोडियम हैलाइड मतलब सोडियम क्लोराइड या सोडियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्ट करके प्रेसिपिटेट बनेगा, मतलब इनसॉल्युबल मटेरियल बनाएगा, और उसको फिल्टर करके सेपरेट करेगा। मतलब कि ड्राई एसीटोन क्यों लिया गया, क्योंकि यहाँ पे जो बनेगा सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड उसको रिमूव करने के लिए यूज करेंगे। इसका मतलब हो गया कि ड्राई एसीटोन में सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल है और सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड इनसॉल्युबल, समझ में आया, ड्राई एसीटोन में सोडियम क्लोराइड सोडियम ब्रोमाइड इनसॉल्युबल और सोडियम आयोडाइड सॉल्युबल, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है आपको, क्लियर है। चलिए अब एग्जांपल आपको जो लेना है यहाँ पर, मतलब कि मिथाइल क्लोराइड मिथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड इथाइल ब्रोमाइड, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं आप, तो ठीक है ना, यहाँ बनेगा अल्काइल आयोडाइड बनेगा, सिंपल है। अब नेक्स्ट जो है शॉर्ट्स रिएक्शन, शॉर्ट्स रिएक्शन से बनता है अल्काइल फ्लोराइड्स बनेंगे, क्या बनेगा इससे, अल्काइल फ्लोराइड्स बनने वाला है इससे अल्काइल, ये ध्यान रखना है, नेम रिएक्शन सारी इंपॉर्टेंट रहेंगी, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं नेम रिएक्शन। इसमें क्या करते हैं हम लोग, अल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्शन करते हैं, मेटल फ्लोराइड के साथ करेंगे, मेटल फ्लोराइड्स, ध्यान देना जरा, मेटल फ्लोराइड्स। तो मेटल आप यहाँ पे क्या ले सकते हैं, सिल्वर कोबाल्ट एंटीमनी मर्क्यूरी आर्सेनिक, अगर सिल्वर का फॉर्मूला ऐसा रहेगा सिल्वर फ्लोराइड, अगर आपने कोबाल्ट लिया तो उसका फॉर्मूला होगा कोबाल्ट फ्लोराइड, अगर आपने एंटीमोनी लिया तो एंटीमोनी फ्लोराइड ऐसा रहेगा, ये थ्री। मर्क्यूरी लिया आपने तो एच जी टू एफ टू ये फॉर्मूला होगा, अगर आप आर्सेनिक लेंगे तो ए एस एफ थ्री को, अभी ऐसा आपको लेना है सारे यहाँ पर, ये मेटल फ्लोराइड लेने, आप आराम से बना सकते हैं। ये फ्लोराइड क्या करेगा, इस हैलाइड को यहाँ से रिप्लेस करेगा, और हैलाइड आप सिर्फ ले सकते हैं क्लोराइड और ब्रोमाइड, जैसे हमने फिनक्लिस्टन रिएक्शन में लिया था, और यहाँ पे कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, ये सबके साथ कर सकते हैं, सिल्वर फ्लोराइड कोबाल्ट फ्लोराइड एंटीमनी फ्लोराइड मर्क्यूरस फ्लोराइड आर्सेनिक फ्लोराइड, ठीक है ना,
फॉर्मूले देख लीजिए इनके, फॉर्मूले क्यों कर सकते हैं चाहो तो आपको ये कहते हैं एग्जाम्पल करके देख सकते हैं। मान लिया मैंने यहाँ पे लिया CH3, ठीक है ना, यहाँ पे है क्लोराइड या ब्रोमाइड ले सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे लिया जैसे मैंने सिल्वर फ्लोराइड, मैं एक करके दिखा था आपको, बाकी आप सब बना के देख लीजिए। अब यहाँ पे क्या बनेगा आप देखो, CH3 यहाँ बनेगा F+AgCl, ऐसा रहेगा, देखो बन गया, क्लियर है। अब यहाँ तीन फ्लोरिन था, बैलेंस करें ना उसको, फिर 3 2 2 ऐसे बैलेंस करें। यहाँ पे या वन था तो यहाँ वन, या टू, यहाँ टू फ्लोरिन तो टू करना, थ्री फ्लोरिन तो थ्री करना है, समझ आ रहा है, ऐसा आपको लेना। तो आप ये इसके एग्जांपल्स बना के देख लीजिए। तो शॉर्ट्स रिएक्शन से अल्काइल फ्लोराइड बनेगा, और मेटल फ्लोराइड मतलब अल्काइल हैलाइड को किससे रिएक्शन करना, मेटल फ्लोराइड, तो बनेगा करस्पॉन्डिंग अल्काइल फ्लोराइड्स। तो शॉर्ट्स रिएक्शन से अल्काइल फ्लोराइड मतलब नेम रिएक्शन इंपॉर्टेंट। चलिए अब आते हैं फोर्थ प्रिपरेशन में, तो ठीक है ना, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, प्रिपरेशन ऑफ अराइल क्लोराइड्स। तो यहाँ पे मैंने दोनों लेके रखे, देखो टॉलोइन लिया, टॉलोइन आपका नीचे याद आ रहा है, टॉलोइन इज कैसा होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो अब यहाँ पे जो क्लोरोनियम आयन है, क्योंकि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पे आपका इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है, तो क्लोरोनियम आयन रहेगा। तो क्लोरोनियम आयन क्या करेगा, ऑर्थो के एच को और पैरा के एच को रिप्लेस करेगा, ऑर्थो और पैरा के एच को रिप्लेस करेगा। और इसमें हमेशा याद रखना पैरा प्रोडक्ट मेजर होगा, ऑर्थो का वही प्रोडक्ट मेजर होता है जो इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है, इंट्रा मॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है वही क्या होगा मेजर प्रोडक्ट, लेकिन बाकी पैरा के सारे प्रोडक्ट मेजर होंगे, पैरा मेजर, देखो पैरा क्लोरोटोलुइन मेजर रहेगा। और अगर आपने बेंजीन लिया तो बेंजीन बहुत आसान है, क्लोरोनियम आयन इस एच को रिप्लेस करेगा और बनेगा क्लोरोबेंजीन। तो यहाँ पे आपको कैटलिस्ट क्या क्या ले सकते हैं, एक तो आप ले सकते हैं आयन पाउडर ले सकते हैं, दूसरा आप ले सकते हैं यहाँ पे FeCl3, तीसरा आप ले सकते हैं यहाँ पर AlCl3 एल्यूमिनियम क्लोराइड, क्लोरो अराइल क्लोराइड बना, तो आयन पाउडर, फेरिक क्लोराइड, एल्यूमिनियम क्लोराइड। अब इन दोनों को हम क्या बोल सकते हैं, हेलोजन कैरियर बोल सकते हैं, या फिर इसको हम बोल सकते हैं लेविस एसिड्स भी बोल सकते हैं, FeCl3 या AlCl3 को लेविस एसिड्स भी बोल सकते हैं आप यहाँ पर, इतने पॉइंट अगले याद रहेगा, ओके। चलिए अब हम देखते हैं प्रिपरेशन ऑफ अराइल ब्रोमाइड्स, अराइल ब्रोमाइड देखते हैं। तो अब यहाँ पे देखो टॉलोइन लिया मतलब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है ये, तो अब देखो यहाँ पे हम जो इलेक्ट्रोफाइल यूज करेंगे ब्रोमोनियम आयन यूज करने वाले हैं, और यहाँ पे जो कैटलिस्ट यूज करेंगे या तो आप लोग आयन पावर लेंगे, या फिर आप लेंगे FeBr3 फेरिक ब्रोमाइड लेंगे, या फिर आप लेंगे यहाँ पर AlBr3, ठीक है, इसको हेलोजन कैरियर बोलते हैं या फिर लेविस एसिड्स बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखना है, क्लियर है। तो देखो ब्रोमोनियम आयन क्या करेगा, इस ऑर्थो केच को और पैरा केच को रिप्लेस करके आपका बन जाएगा प्रोडक्ट ऑर्थो ब्रोमोटोलुइन और पैरा ब्रोमोटोलुइन, और पैरा ब्रोमोटोलुइन इज अ मेजर प्रोडक्ट। अगर आपने बेंजीन लिया तो ब्रोमोनियम आयन क्या करेगा, और ब्रोमोनियम आयन क्या करेगा, एच को रिप्लेस करके क्या बनाएगा, ब्रोमो बेंजीन। ये बहुत सिंपल सिंपल रिएक्शंस रहती है इलेक्ट्रोफिलिक, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहां बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल कौन सा यूज करेंगे, तो आपको याद रखना है ब्रोमोनियम आयन इज इलेक्ट्रोफाइल, समझा ना, कोई रीजन देख लीजिए कैसा हो रहा है, कोई रीजन ऐसा रहता है, मैं कहा रुक रहा हूँ, मैं फटाफट आपको टीच करते जा रहा हूँ। अब लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ अराइल आयोडाइड। देखो अब यहाँ पे आप एक पॉइंट याद रखना है कि डायरेक्ट आयोडिनेशन इज नॉट पॉसिबल, क्यों नहीं होता देख लीजिए, आपको बताता हूँ रीजन क्लियर करता हूँ मैं। ये लिया मैंने बेंजीन, इसको मैंने आयोडीन से रिएक्शन किया, अब देखिए क्या हुआ यहाँ पर, यहाँ बनेगा आपका आयोडो बेंजीन बन गया, ध्यान से देखिए बन गया है, और यहाँ पे बाय प्रोडक्ट बनेगा एच आई जो होता है वो यहाँ पे होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है, कैसा होता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, ये होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट जो रिएक्शन को क्या कर देगा, रिवर्स कर देगा। तो आपका रिएक्शन फिर से पीछे बैक चली गई, रिवर्स हो गई, तो आपका प्रोडक्ट बना ही नहीं, आप जहाँ से आपने रिएक्शन स्टार्ट किया आप वहीं पे पहुँच गए। तो अभी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, इस एच आई को डिस्ट्रॉय करना जरूरी है, तो इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए आपको क्या लेना पड़ेगा, नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड या मर्क्यूरिक ऑक्साइड, नाइट्रिक एसिड, आयोडिक एसिड या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड लेना पड़ेगा। ये क्या करेगा, इस एच आई को डिस्ट्रॉय करेगा और क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड। यहाँ लिखा है द रिएक्शन विथ आयोडीन इज रिवर्सिबल, हेंस इट इज टू प्रिपेयर अराइल आयोडाइड्स द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स आर यूज्ड, यहाँ शॉर्ट में लिखा है पूरा। तो आपको एक बात याद रखना है कि डायरेक्ट आयोडिनेशन इज नॉट पॉसिबल, ध्यान रखना है। और आपको अगर आयोडो बेंजीन बनाना है तो आपको क्या लेना पड़ेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पड़ेंगे यहाँ पर, ये नाइट्रिक एसिड या आयोडिक एसिड या फिर मर्क्यूरिक ऑक्साइड, तब बनने वाला है आपका क्या, आयोडो बेंजीन, ओके।
अब प्रिपरेशन फॉर अराइल फ्लूइड, आपको याद रखना है कि अराइल फ्लूइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड एज फ्लोरीन इज हाईली रिएक्टिव. इसके लिए याद रखना है डायरेक्ट हाइड्रेशन नहीं होगा लेकिन आयोडो बेंजीन बनेगा. लेकिन आपको याद रखना है कि बोलेगा कि हेलोजनेशन, हेलोजनेशन ऑफ बेंजीन से क्या नहीं बनता, तो आपको याद बताना है अराइल फ्लोराइड्स नहीं बनेगा. तो आपको याद रखना अराइल फ्लोराइड कैन नॉट प्रिपेयर बाय डायरेक्ट हेलोजनेशन, ये आपको याद रखना है ना. तो वो आयोडिनेशन और इसमें आप क्या करेंगे कंफ्यूज हो जाएंगे नहीं तो आप. ओके चलिए ये पॉइंट आप याद रख लीजिए. तो आपके हो गए प्रिपरेशन खत्म. अब हम आते हैं इसके फिजिकल प्रॉपर्टीज पर आते हैं. सबसे पहले हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं देखिए नेचर ऑफ इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस. तो मैं आपको थोड़ा इसको ऊपर कर देता हूँ, आपको दिखेगा नहीं. अब देखिए यहाँ पर, अब देखो कार्बन हेलोजन, तो उसमें से देखिए हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, ध्यान रखा हेलोजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन. तो कार्बन पे आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन आएगा पार्शियल नेगेटिव. इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस होता है. और कार्बन हेलोजन बॉन्ड कैसे बनेगा, ये बनेगा आपका देखो कार्बन का आपको याद रखना है यहाँ पर हाफ फिल्ड sp3 ऑर्बिटल, और हेलोजन का याद रखना है आपको यहाँ पर हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल. दोनों का एक्सियल ओवरलैप होगा, एक्सियल एक्सियल ओवरलैप होगा और क्या बनेगा आपका सिग्मा बॉन्ड. देखो द कार्बन हेलोजन बॉन्ड इज पोलर एज हेलोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, एंड कार्बन आइटम शोज पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हेलोजन आइटम शोज पार्शियल नेगेटिव चार्ज. ये इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस का होता है. और कार्बन हेलोजन बॉन्ड फॉर्म्ड बाय ओवरलैप ऑफ sp3 ऑर्बिटल ऑफ कार्बन आइटम विथ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल ऑफ हेलोजन आइटम. ओके उसके देखो अभी आपको मतलब कि हेलोजन की साइज धीरे धीरे बढ़ेगी, फ्लोरीन टू आयोडीन इंक्रीज होता है, तो आपका बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा. बॉन्ड लेंथ इंक्रीज होगा तो क्या होगा आपके स्ट्रेंथ डिक्रीज होगी. देखो द साइज ऑफ हेलोजन आइटम इंक्रीजेस फ्रॉम फ्लोरीन टू आयोडीन, तो विच इंक्रीजेस द कार्बन हेलोजन बॉन्ड लेंथ. ऑब्वियसली बढ़ेगी क्योंकि फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन साइज बढ़ते जा रही है धीरे धीरे. तो लार्जर द साइज ऑफ हेलोजन तो ग्रेटर इज द बॉन्ड लेंथ एंड हेंस ऑर्डर ऑफ कार्बन हेलोजन बॉन्ड स्ट्रेंथ ये होगा. देखो तो मिथाइल हेलाइट में हम लेंगे मिथाइल फ्लोराइड से ज्यादा बॉन्ड लेंथ मिथाइल क्लोराइड की है, मिथाइल क्लोराइड से ज्यादा बॉन्ड लेंथ मिथाइल ब्रोमाइड की है, मिथाइल ब्रोमाइड से ज्यादा बॉन्ड लेंथ मिथाइल आयोडाइड की. तो बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस और बॉन्ड स्ट्रेंथ डिक्रीजेस ऐसा रहता है, उसका ऑपोजिट होता है. ठीक है कोई ज्यादा हार्ड नहीं है. अब हम बात करते हैं फिजिकल स्टेट. अब देखो लोअर मेंबर्स कैसे होते हैं, जैसे लोअर मेंबर्स आप ले सकते हैं यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड ठीक है, या फिर इथाइल ठीक है ना, क्लोराइड ब्रोमाइड आयोडाइड जो लेना ले लीजिए. तो लोअर मेंबर्स आर गैसेस होंगे और हायर मेंबर्स कैसे होंगे, आर लिक्विड्स और सॉलिड्स होते हैं. एट रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं एट रूम टेम्परेचर. ओके तो लोअर मेंबर्स आर गैसेस याद रखना है और हायर मेंबर्स आर कैसे होंगे, अब यहाँ पर आपको याद रखना हायर मेंबर्स आर सॉलिड्स और लिक्विड्स एट क्या रूम टेम्परेचर. ओके और मेनी वोलेटाइल हैलोजन कंपाउंड्स हैव स्वीट स्मेल होता है, वोलेटाइल होगा तभी तो स्मेल आएगी ना, तो स्वीट स्मेल. तो वोलेटाइल हेलोजन कंपाउंड सारे कैसे होंगे स्वीट स्मेल होगा उसका. चलिए अब देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट की बात करते हैं. तो बॉइलिंग पॉइंट्स जो अल्काइल हैलाइड्स होता है हायर देन करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होगा. क्यों होगा, ड्यू टू हाई मॉलिकुलर मास एंड ग्रेटर पोलैरिटी एंड द इंटरमॉलिक्युलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, मतलब उससे वैंडरवाल फोर्स आ गया और डायपोल डायपोल फोर्स, ये लंदन हटा दीजिए डायपोल डायपोल फोर्सेस करते हैं आर स्ट्रॉन्गर. मतलब क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट जब ऑफ अल्काइल क्या होता है ज्यादा किससे होगा करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन मतलब अल्केन से ज्यादा होगा. क्यों होगा, क्योंकि हाई मॉलिकुलर मास और ग्रेटर पोलैरिटी के कारण क्या होता है इंटर मॉलिकुलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग हो जाता है, मतलब वैंडरवाल फोर्स हो सकता है या फिर उसका डायपोल डायपोल फोर्सेस हो सकता है. ठीक है अगर आप बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अगर आपका सेम अल्काइल ग्रुप लेते हैं अगर सेम मिथाइल लिया, मान लिया यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया देखो मिथाइल लिया आपने, तो अभी इसमें क्या होगा मिथाइल, तो उसका ऑर्डर ऐसा होगा देखो मिथाइल हाइड्राइड का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा मिथाइल ब्रोमाइड से, मिथाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा मिथाइल क्लोराइड से, मिथाइल क्लोराइड का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा होगा मिथाइल फ्लोराइड. मतलब क्या होता है कि हाई लार्ज मॉलिक्यूलर मास चाहिए, ज्यादा मॉलिक्यूलर मास और ज्यादा पोलैरिटी, तो वो ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट शो करेगा. ये सेम अल्काइल ग्रुप की बात कर रहे हैं, सेम अल्काइल ग्रुप होगा तब अल्काइल की बात कर रहे हैं सेम अल्काइल ठीक है सेम अल्काइल, ये यहाँ लिखा है सेम अल्काइल ग्रुप होगा तब. तो डिक्रीजिंग ऑर्डर अल्काइल आयोडाइड अल्काइल ब्रोमाइड अल्काइल क्लोराइड अल्काइल फ्लोराइड, ये ऑर्डर आपको याद रखना है. ठीक है अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए अब जरा इन केस ऑफ आइसोमेरिक हैलाइड्स मतलब ब्रांचिंग की अगर हम बात करते हैं ब्रांच होता है तो
ठीक है, इन केस ऑफ आइसोमेरिक अल्काहलाइड। तो बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्काहलाइड कैसे, डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग ब्रांचिंग। अब जैसे जैसे ब्रांचिंग कर जाएंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या कम कम हो जाएगा, क्योंकि उसका वेंडर वॉल फोर्स कम होता है और सरफेस एरिया डिक्रीज होता है। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा है यहाँ पर, बॉइलिंग पॉइंट देखो, हमने नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड का बॉइलिंग पॉइंट किससे ज्यादा, मैं इसको एरो डाल लेता हूँ, किससे ज्यादा होगा आपका सेकेंडरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड से, किससे ज्यादा होगा टर्शियरी ब्यूटाइल। देखो ऐसा क्यों है, देखिए यहाँ पे स्ट्रेट चेन है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसका वॉल्यूम ज्यादा, कितना 375 केल्विन दिया हुआ है। अब यहाँ पे एक ब्रांच है तो उसका 364, यहाँ पे दो ब्रांच दिख रहा है उसने 346। जैसे जैसे आप ब्रांचिंग करते जाएंगे बॉइलिंग पॉइंट कम कम होते जाएगा, क्योंकि वेंडर वॉल फोर्स कम होगा और सरफेस एरिया कम होगा उसका। ओके, ये पॉइंट आपको याद रहेगा, क्लियर बेटा। चलिए अब हम देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं अभी यहाँ पर, ठीक है ना। मेल्टिंग पॉइंट, द आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन्स हैव नियरली द सेम बॉइलिंग पॉइंट। डायहेलो मतलब डाइक्लोरो, डाइब्रोमो, डायडो, कुछ होता है डाई, मतलब 1, 2, 1, 3, 1, 4 ऐसी बात कर रहे हैं। तो आइसोमेरिक डायहेलोबेंजीन हैव नियरली सेम बॉइलिंग पॉइंट होता है, ठीक है ना। लेकिन मेल्टिंग पॉइंट जो होता है वो कैसा वेरिएशन होता है उसका, शो वेरिएशन। देखो आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूँ, मैंने यहाँ पे लिया ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन लिया है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन लिया, दिख रहा है अभी आपको, मैं इसको हाईलाइट करता हूँ, देख लीजिए। ओके देखो अभी ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, देखो मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, उसके बाद फिर पैरा डाइक्लोरोबेंजीन, दिख रहा है अभी आपको। तो अभी देखो यहाँ पे हमने लिखा है बॉइलिंग पॉइंट, इसको हमने इसे कर दिया और दूसरे को मैं कलर चेंज कर दूंगा उसका, मैं ठीक है अब उसका कलर चेंज करता हूँ, इसको मैं लेता हूँ ब्लू कलर, देख लीजिए आ रहा है आपको समझ, ब्लू कलर हाईलाइट कर दिया इसको, देख लीजिए। इसको एक काम करते हैं, इसका कलर चेंज करते हैं हम लोग, तो आपको अच्छी तरह से समझ में आएंगे। अब देखिए इसका मैंने बॉइलिंग पॉइंट को पर्पल कलर ले लिया, देखो बॉइलिंग पॉइंट दिख रहा है आपको, ये मैंने हाईलाइट कर दिया। देखो अब आप जरा ऑब्जर्व कीजिए जरा इधर आप अच्छे से, जरा अगर आप यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं, देखो बॉइलिंग पॉइंट देखो नियरली सेम, देखो ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का 453, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का 446, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का 440, देखो नियरली सेम है, मतलब डाइहेलोबेंजीन का बॉइलिंग पॉइंट नियरली सेम, लेकिन मेल्टिंग पॉइंट वेरिएशन करेगा। देखो हम अगर ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन का 256, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का मेल्टिंग पॉइंट 249, लेकिन देखो यहाँ इसमें भी ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लेकिन पैरा का बहुत ज्यादा डिफरेंस 323 है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पैरा का जो स्ट्रक्चर होता है सिमेट्रिकल होता है, सिमेट्रिक होता है, वो एक अच्छे से फिट हो जाता है उसका, उसकी जो एनर्जी ज्यादा लगेगी क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा, अट्रैक्शन ज्यादा हो जाएगा और उसके लैटिस को ब्रेक करने के लिए लैटिस एनर्जी ज्यादा लगेगी। बात समझ आ रही है आपको, तो यहाँ पूरा क्लियर वर्ड्स में लिख के बताता हूँ। तो ये पॉइंट मेल्टिंग पॉइंट का, तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ पैरा आइसोमर इज क्वाइट हाई कंपेयर टू दैट ऑफ ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर, ठीक है ना, इधर ध्यान दीजिए। एंड दिस इज बिकॉज, रीजन ध्यान, दिस इज बिकॉज देखो ये लिखा है सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर which can be easily packed closely in crystal lattice. As a result, intermolecular forces of attraction are stronger, therefore greater energy required to overcome lattice energy. देख लीजिए बच्चा पार्टी, आ रहा है समझ में, पूरा एक 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 पॉइंट क्लियर किया, बहुत बढ़िया किया हुआ आप लोगों के लिए, समझ में आया। चलिए अब देख बात करते हैं सॉलिबिलिटी की, अगर हम बात करते हैं सॉलिबिलिटी, देखिए सॉलिबिलिटी की हम बात करते हैं, तो अल्काहलाइड्स आर स्लाइटली सॉल्युबल इन वाटर ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्योंकि उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा और ग्रेटर फोर्सेस हो, तो मतलब ग्रेटर क्या होगा उसका पोलरिटी होगा, तो बट दे आर हाईली सॉल्युबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, क्योंकि अल्काहलाइड जो होता है वो वाटर में स्लाइटली सॉल्व होंगे, लेकिन ज्यादा सॉल्व किस होंगे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में होगा, क्योंकि यहाँ लाइक डिजॉल्व्स लाइक, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होते हैं। क्लियर, गॉट इट, कोई प्रॉब्लम? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं, अब हम बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज। अब अपना चैप्टर आधे के ऊपर हो चुका है, अभी केमिकल प्रॉपर्टीज का चैप्टर फिनिश। तो केमिकल प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज देखिए जरा अभी, तो पहले हम देंगे यहाँ पे रिएक्शंस ऑफ, देखो यहाँ पे ध्यान देना है, रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स लेंगे पहले, तो उसमें तीन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स, एलिमिनेशन रिएक्शंस और रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स। पहले हम हेलो अल्केन्स पूरा करते हैं, उसके बाद फिर हेलो अरेंज का नंबर आएगा। ओके चलिए फिर अब हम देखते हैं यहाँ पर, पहले लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अल्केन्स, तो उसमें पहले लेने जा रहा हूँ मैं रिएक्शन विद अल्कलीज, इसका आपके टेक्स्ट बुक में एक टेबल बना है, तो मैंने इसको सबको सेपरेट सेपरेट कर दिया, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए मैं जनरल जनरल बताऊंगा, आप एग्जाम्पल आप बना के प्रैक्टिस करके देख लीजिए, क्योंकि वन शूट में इतना पॉसिबल नहीं है ना।
क्योंकि मेरा काम है यहाँ पे सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करके देना। कंसेप्ट क्लियर हो गया, अब दुनिया भर के एग्जाम्पल बना सकते हैं आप लोग। ओके चलिए आप देखते हैं अल्काहलाइड को हमने किससे रिएक्शन किया है, एक्वियस KOH, ठीक है। अल्कली में, अल्कली में हम जब अल्कली वर्ड जब आता है आपके पास तो अल्कली दो ही होते हैं यहाँ पर। अल्कली की बात करते हैं तो KOH आएगा या फिर NaOH, दोनों में से कोई आप एक अल्कली यूज करेंगे, ठीक है। अल्कली मेटल से है ना, इसलिए अल्कलीज बोल रहे हैं इसको। मतलब द बेसिस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज, बेसिस विच आर हाईली सॉल्युबल इन वाटर आर कॉल्ड अल्कलीज। देखो अभी तो यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ध्यान देना न्यूक्लियोफिलिक, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा, मतलब हाइड्रोक्साइड हैलाइड को रिप्लेस करेगा और बनेगा इससे एल्कोहल। अब आप कोई भी ले सकते हैं यहाँ पर, मिथाइल या तो मिथाइल अल्कोहल, इथाइल या तो इथाइल अल्कोहल, ऐसे बना के दिखा रहा हूँ आपको कैसे करना है, ठीक है ना। ऐसा करना, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, मतलब यहाँ पर याद रखना है कि हाइड्रोक्साइड मतलब हैलाइड किसको रिप्लेस करेगा, हाइड्रोक्साइड को करेगा, ठीक है ना। मतलब सॉरी, हाइड्रोक्साइड हैलाइड को रिप्लेस करेगा, ठीक है ना, हैलाइड रिप्लेस हो रहा है पे। तो यहाँ पे हाइड्रोक्साइड हैलाइड को रिप्लेस करेगा, उसका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा। अब दूसरा देखते हैं रिएक्शन विद सोडियम एल्कोऑक्साइड, तो सोडियम एल्कोऑक्साइड, तो अब यहाँ पे क्या होगा, देखो ये यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव हो, एल्कोऑक्साइड इस हैलाइड को रिप्लेस करेगा, यहाँ बनेगा आपका ईथर फॉर्म होने वाला है, ईथर। ये विलियमसन सिंथेसिस है, इससे आप सिंपल और मिक्स्ड ईथर दोनों बना सकते हैं, ओके। और यहाँ पर आपका अल्कोहल लेना चाहिए, अल्कोहलिक मीडियम रखते हैं, अल्कोहल एरो पे देता है अल्कोहल। अब एग्जाम्पल आपको जो लेना है, तो सिंपल के लिए दोनों सेम लेने पड़ेंगे अल्काइल ग्रुप, मिक्स के लिए दोनों अल्काइल ग्रुप डिफरेंट लेने पड़ेंगे, क्लियर। अब लेते हैं रिएक्शन विद सिल्वर कार्बोऑक्सलेट, देखो अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव, देखो कार्बोऑक्सलेट आयन इस हैलाइड आयन को यहाँ से रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, ईस्टर फॉर्म करेगा। यहाँ पे क्या फॉर्म होगा आपका, ईस्टर। आपको ये आर क्या क्या लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, अगर यहाँ मिथाइल या मिथाइल है तो मिथाइल एसिटेट, इस टाइप से बनाना है। हेलोजन, हेलोजन आप क्या कर सकते हैं यहाँ पे, क्लोराइड, फ्लोरिन मत लेना बस, क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन आप यहाँ पे ले सकते हैं, क्लोरीन ब्रोमीन एंड आयोडीन, क्लियर बेटा। कोई कंफ्यूजन आ जाएंगे बना के देख लीजिए, सारे एग्जाम्पल आप बना के देखिए, मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूँ आपके। ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है क्योंकि यहाँ पे कार्बोऑक्सलेट आयन हैलाइड आयन को रिप्लेस करेगा। अब हम यहाँ पे लेते हैं अल्काइल हैलाइड को अमोनिया से रिएक्शन किया, तो अब देखो यहाँ पे हैलाइड तो अमोनिया से हम ऐसा लिख देते हैं, लिख के बता नीचे बताता हूँ आपको मैं, देख लीजिए अमोनिया को मैं क्या करता हूँ यहाँ पर एक्सेस में लेता हूँ, यहाँ पे एक्सेस में लेना पड़ेगा तब प्राइमरी अमाइन बनेगा। अगर आपने अल्काइल हैलाइड को एक्सेस लिया तो मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट बनेगा, समझ आ रहा है। देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन अगर इधर आएगा तो इस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, इस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। देख लो एक, अब देखो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा यहाँ पर, प्राइमरी अमाइन, ये अमाइन बन गया है प्लस HX। याद रखना अमोनिया यहाँ पे एक्सेस लेना है, अगर आपने अल्काइल हैलाइड एक्सेस लिया ना तो बनेगा मिक्सचर ऑफ प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, टर्शियरी अमाइन एंड क्वॉटरनरी अमोनियम सॉल्ट। ये बात याद रखना पड़ेगा आपको, अमाइन चैप्टर आपको ये पूरा डिटेल पढ़ने ही मिलेगा। अब आर क्या लेते हैं उस पर डिपेंड करता है, आर अगर मिथाइल है तो मिथाइल अमाइन, इथाइल है तो इथाइल अमाइन, खत्म। एग्जांपल आप कितने बना सकते हैं, ओके। अब लेते हैं रिएक्शन पोटेशियम साइनाइड, देखो साइनाइड पे नेगेटिव चार्ज है, हैलाइड पे नेगेटिव, तो एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देगा, खत्म, बन गया अल्काइल साइनाइड। और याद रखना है पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो आयोनिक कंपाउंड है, इसलिए इससे हमेशा साइनाइड ही बनेगा, ओके। चलिए तो यहाँ पे अगर आपने मिथाइल लिया तो मिथाइल साइनाइड, इथाइल लिया तो इथाइल साइनाइड, सोना ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, साइनाइड हैलाइड को रिप्लेस करेगा, खत्म। यही बेसिक है इसका कंसेप्ट है। अब हमने लिया रिएक्शन सिल्वर साइनाइड, तो सिल्वर साइनाइड देखो यहाँ पर लोन पेयर है, बाकी सब बॉन्डेड है, तो लोन पेयर से ये अल्काइल ग्रुप जाकर अटैच हो जाएगा और बन जाएगा आपका अल्काइल आइसोसाइनाइड, या वहाँ बनेगा अल्काइल आइसोसाइनाइड, जिसका बैड स्मेल होता है, अल्काइल अल्काइल आइसोसाइनाइड बनेगा इसे, और अल्काइल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड और एक नाम होता है इसको कार्बिल अमाइन, तो इसको मैं और एक नाम दे सकता हूँ अल्काइल कार्बिल अमाइन, ठीक है ना, ऐसा बनेगा। और यहाँ पे जो सिल्वर साइनाइड जो होता है ये कोवालेंट कंपाउंड है, ठीक है ना, ये कैसा होता है, कोवालेंट कंपाउंड, इससे हमेशा क्या बनेगा याद रखना है, आइसोसाइनाइड। यहाँ पे अभी दोनों में कंफ्यूज होता है, पोटेशियम साइनाइड से क्या बनेगा, साइनाइड, और सिल्वर साइनाइड से आइसोसाइनाइड बनेगा, ये आपको ध्यान रखना है।
और उसका एक और रीजन दे सकते हैं कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड ये एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइड, याद रखना है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइड है ये, ये क्या है यहाँ पर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है ये, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होते हैं साइनाइड आइसोसाइनाइड, एक ये भी रीजन है एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल भी बोल सकते हैं। दूसरा सिल्वर साइनाइड कोवेलेंट कारण ये आइसोसाइनाइड देगा, और पोटेशियम साइनाइड आयोनिक होने कारण वो क्या देगा आपका साइनाइड, ठीक है ना। तो सिल्वर साइनाइड कोवेलेंट नेचर है, और पोटेशियम साइनाइड जो होता है वो आयोनिक इन नेचर होता है, वो कैसा होता है आपका आयोनिक नेचर होता है, ऐसा करना है, कंसेप्ट ऐसे क्लियर रखना है। ओके नाउ नेक्स्ट है रिएक्शन विद पोटेशियम नाइट्राइट। आप देखो पोटेशियम नाइट्राइट, तो अगर हमने अल्काइल हैलाइड को पोटेशियम नाइट्राइट, देखो मैंने पूरा स्ट्रक्चर फॉर्म लिखा है, तो ये देखा इतना नेगेटिव पार्ट दिख रहा है आपको, तो ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल इस हैलाइड न्यूक्लियोफाइल को यहाँ से क्या कर देगा रिप्लेस कर देगा और बनाएगा अल्काइल नाइट्राइट। अगर यहाँ पे आपने मिथाइल लिया था मिथाइल नाइट्राइट, ओके ये आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर आपको एक बात याद रखना है कि पोटेशियम नाइट्राइट जो होता है ये यहाँ पर ये भी कैसा होगा आयोनिक इन नेचर होगा, ये कैसा होगा यहाँ पर आयोनिक इन नेचर, ये आपको ध्यान रखना है, क्लियर। तो इससे हमेशा आपका क्या बनेगा अल्काइल नाइट्राइट ही बनेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट लेते हैं रिएक्शन विद सिल्वर नाइट्राइट। तो सिल्वर नाइट्राइट जो होगा AgNO2, यहाँ पर ये कोवेलेंट इन नेचर है। और एक दूसरा रीजन याद रखना है यहाँ पे देखो NO2 और यहाँ पे याद रखना है ONO, ये आपके एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल है। क्या बोलूँगा इसको मैं एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ऐसा शॉर्ट में लिख देता हूँ एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल, ऐसा है। तो यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ पे नेगेटिव यहाँ पे पॉजिटिव, ये इसको रिप्लेस करेगा ऐसा ऐसा, और क्या बनेगा यहाँ पे बोलता है ये ऑक्सीजन एक्स्ट्रा आ गया यहाँ पर, इसको कट कर देता है एक्स्ट्रा है ये देखो यहाँ बनेगा आपका क्या नाइट्रो अल्केन। तो मतलब भाई आपको ध्यान रखना है सिल्वर नाइट्राइट से क्या बनेगा नाइट्रो अल्केन, क्या बन रहा है नाइट्रो अल्केन बनेगा। और अभी मैंने क्या बोला है पोटेशियम नाइट्राइट से क्या बनेगा, मैंने बोला आपका नाइट्राइट बनेगा, उससे क्या बनेगा आपका नाइट्राइट, बस। बाकी एग्जांपल मिथाइल लिया तो नाइट्रो मीथेन, इथाइल लिया तो नाइट्रो इथेन, ऐसे एग्जांपल आप दुनिया भर के बना सकते हो। चलिए अब हम आते हैं यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म है SN1 SN2। अब वो जो हम जितना बड़ा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन उसके आपको मैकेनिज्म है SN1 SN2। तो पहले देखिए SN1 ले रहा हूँ, बाद में SN2 लूंगा। तो SN1 में देखिए SN1 में S स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, N स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 1 स्टैंड फॉर यूनिमोलिकुलर, मतलब इसका मीनिंग क्या हो गया यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मीनिंग हो गया। अब देखिए जरा इधर अभी ध्यान से देखिए, मैं इसको थोड़ा ऊपर कर रहा हूँ। अब यहाँ पर देखो टर्शियरी, अभी आपको SN1 में टर्शियरी सबस्ट्रेट का यूज करना है, किसका यूज करना है आपको टर्शियरी सबस्ट्रेट। देखो तो हाइड्रोक्साइड क्या करेगा इस ब्रोमाइड को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, ये हाइड्रोक्साइड आयन कहाँ से आ रहा है ये न्यूक्लियोफाइल है, ये कहाँ से आ रहा है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड से आएगा, ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन, आपको ये याद रखना है अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ SN1 रिएक्शन, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं इसका काइनेटिक एक्सप्रेशन। देखो तो रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है टर्शियरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है, इसलिए क्या होता है ये यूनिमोलिकुलर रिएक्शन है। देखिए द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल, मतलब टर्शियरी सबस्ट्रेट बोलेंगे ओनली एंड डज नॉट डिपेंड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल, हेंस इट इज अ यूनिमोलिकुलर और फर्स्ट ऑर्डर है। देखो ये साइन हटाया ना तो क्या आएगा के क्या है पर स्पेसिफिक रेट कांस्टेंट, तो इस पे पावर कितना वन है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है सम ऑफ पावर्स, पावर को सम कर दो तो इसका वन है तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वन होगा। तो ध्यान देना है काइनेटिक एक्सप्रेशन याद रखना है कि रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन टर्शियरी सबस्ट्रेट और इसका ऑर्डर कितना है वन, तो याद रखना है कि आपका जो SN1 जो होता है यूनिमोलिकुलर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब देखते हैं इसका मैकेनिज्म मतलब स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1 रिएक्शन। तो यहाँ पर देखिए अभी तीन बल्कि अल्काइल ग्रुप है इसमें ना, मैं ऐसे समझा दूँ यहाँ पर, अभी आपको ऐसा लेता हूँ। देखो यहाँ पर CH3 CH3 CH, तीन अल्काइल ग्रुप है, तो तीन बल्कि अल्काइल ग्रुप के कारण क्या होता है यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक नहीं करता है, फ्रंट साइड से नहीं करेगा क्योंकि फ्रंट साइड है न्यूक्लियोफाइल, तो लाइक चार्जेस क्या करेगा रिपल ईच अदर, तो उसके कारण क्या होगा यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करेगा, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसलिए ये दो स्टेप में होगा। देखो यहाँ लिखा है, लिख के रखा है मैंने, ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस इफेक्ट न्यूक्लियोफाइल कैन नॉट अटैक ऑन कार्बन आइटम डायरेक्टली, हे दिस रिएक्शन टेक्स प्लेस इन टू स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा फॉर्मेशन ऑफ टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, मतलब जनरली बोलेंगे कार्बोकेटाइन बनने वाला है, ठीक है ना। फर्स्ट स्टेप जो होता है स्लो स्टेप होता है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, इसमें क्या होता है कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का क्या होता है
हेटेरोलिसिस होता है, और क्या बनेगा, टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। ओके, और यहाँ पे एक मिनट में इसको आपको रिएक्शन थ्रू बताता हूँ। देखो तो फर्स्ट ये स्लो स्टेप, ये मेन रिएक्शन रेट डिटरमाइन स्टेप है, इसमें कार्बोकेटाइन बनता है। कार्बोकेटाइन जो बनेगा, यहाँ पे रीअरेंजमेंट मत कीजिए, यहाँ पे रीअरेंजमेंट नहीं करना है, रीअरेंजमेंट नहीं करना है, जो कार्बोकेटाइन बनेगा वही माना जाएगा फाइनल। यहाँ पर SN1 में कभी रीअरेंजमेंट नहीं करते, बाकी सब जगह करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, देखो इसका ये हाइड्रोलिसिस हो गया, ब्रोमाइड आपका बाहर निकल गया, मतलब ये लिविंग न्यूक्लियोफाइल है और आपका, ठीक है, ये बाहर निकल गया यहाँ से, ये न्यूक्लियोफाइल, तो ये बन गया आपका टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन। यहाँ पे पूछ सकते हैं इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन स्टेट क्या है, SP2। इसका बॉन्ड एंगल कितना है, इसका बॉन्ड एंगल कितना है, इसका 120 120, ठीक है ना, तो 120 डिग्री होता है। ओके, और इसका ज्योमेट्री कैसा है, प्लेनर ज्योमेट्री। SP2 का कैसा होता है, प्लेनर ज्योमेट्री। यहाँ मैंने सब वर्ड्स में लिख के रखा है, अगर आप पढ़ के देखेंगे तो आपको सब आएगा। देखो बताता हूँ आपको, देखो यहाँ पर ध्यान से देखिए जरा इधर। तो फर्स्ट स्टेप स्लो है, हेंस इट इज रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, मतलब RDS इसको बोलते हैं हम लोग शॉर्ट में। और यहाँ पे कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड जो होता है अंडरगो हाइड्रोलिसिस टू फॉर्म टर्शियरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन, मतलब ये कार्बोकेटाइन ये इंटरमीडिएट, ये याद रखना पड़ेगा आपको, ये क्या बना आपका इंटरमीडिएट बन गया। ओके, उसके बाद फिर कार्बन इन टर्शरी ब्यूटाइल कार्बोकेटाइन कैसा होता है, SP2 हाइब्रिडाइज होता है एंड हैज प्लेनर ज्योमेट्री, और उसका बॉन्ड एंगल होता है 120 डिग्री। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अब स्टेप सेकंड में होता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि अब आपको जगह मिल गई अटैक करने के लिए। देखिए अब आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से भी अटैक कर सकता है और फ्रंट साइड से भी अटैक कर सकता है आपका, ये ध्यान रखिए जरा यहाँ पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अभी दो कंडीशन, अगर आपका यहाँ पर टर्शरी ब्यूटाइल कार्बन, मतलब कि आपका टर्शरी सबस्ट्रेट ऑप्टिकल इनएक्टिव है, तो उसमें दोनों साइड, मतलब बैक साइड और फ्रंट साइड से अटैकिंग की सेम पॉसिबिलिटी होती है, लेकिन यहाँ पे एक ही प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है ना, या तो बैक साइड से करेगा या तो फिर फ्रंट साइड से करेगा। लेकिन अगर आपका टर्शरी ब्यूट, अगर आपका टर्शरी सबस्ट्रेट ऑप्टिकल एक्टिव, उसमें कायरल कार्बन एटम है, तो यहाँ पर आपका दो प्रोडक्ट बनने वाले हैं। देखिए ध्यान से देखना जरा, तो फ्रंट साइड से अटैक कर सकता है, बैक साइड से कर सकता है, ठीक है ना। ये स्टेप सेकंड स्टेप फास्ट होता है, तो आपका ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। अब देखो मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ उसको, जरा दिखेगा आपको। आप समझ लीजिए आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक करेगा तो बनेगा 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, और अगर आपका फ्रंट साइड से करेगा तो 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। देखो इन्वर्जन का मतलब होता है ऑपोजिट, तो रिएक्टेंट का ऑपोजिट कॉन्फिगरेशन गेन कर रहा है, इसलिए इसको बोलते हैं 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और यहाँ पे 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन, मतलब आपके रिएक्टेंट का क्या होता है, सेम कॉन्फिगरेशन गेन करता है, इसलिए इसको रिटेन करना होता है, रिटेंशन। और इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या बोलते हैं, रेसिमाइजेशन बोलेंगे इसको, हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन बोला जाता है मिक्सचर को, ठीक है ना। देखो मैं थोड़ा वर्ड्स में बताता हूँ, आप देखो यहाँ पर वर्ड्स में देखिए, सेकेंड स्टेप इज फास्ट एज इट इन्वॉल्व फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड। फिर देखो द न्यूक्लियोफाइल अटैक्स कार्बोकेटाइन आइदर फ्रॉम फ्रंट साइड और फ्रॉम बैक साइड विथ नियरली सेम प्रोबेबिलिटी, द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन इन दिस केस ड्यू टू अटैक फ्रॉम आइदर साइड आर सेम एज स्टार्टिंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा तब होगा ऐसा, और इन केस ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्ट्रेट इन SN1 रिएक्शन द लीड्स टू 50% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन एंड 50% रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। देखिए बच्चा पार्टी क्लियर है, आसानी है, आसान से आ रहा है समझे। चलिए अब हम देखते हैं SN2 मैकेनिज्म, इसमें प्राइमरी सब्सट्रेट लेते हैं, तो मीनिंग तो इजी है, एस स्टैंड फॉर सब्स्टिट्यूशन, एन स्टैंड फॉर न्यूक्लियोफिलिक, टू स्टैंड फॉर बायोमोलिकुलर, मतलब मीनिंग हो गया बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब देखिए यहाँ पर अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस, अब यहाँ प्राइमरी सब्सट्रेट है, तो अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड इज एन एग्जांपल ऑफ SN2। देखो ये KOH NOH आएगा, ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल ब्रोमाइड न्यूक्लियोफाइल को रिप्लेस करेगा और बनेगा मिथाइल एल्कोहल बनेगा। अब इसका अगर हम काइनेटिक एक्सप्रेशन देखते हैं तो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन सब्सट्रेट एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल, दोनों पे डिपेंड कर रहा है। देखो रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड एंड न्यूक्लियोफाइल, मतलब सब्सट्रेट और न्यूक्लियो दोनों पे कर रहा है, इट इज अ बाई मॉलिकुलर एंड सेकेंड ऑर्डर। सेकेंड ऑर्डर क्यों बोलेंगे, देखिए दोनों ऑर्डर, अभी ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, सम ऑफ पावर्स, पावर को सम कर दीजिए आप, 1+1 मतलब 2, बाई मॉलिकुलर सेकेंड ऑर्डर इसको बोलते हैं, दो मॉलिक्यूल इसलिए बाई मॉलिकुलर, और उसका प्लस करें दो ऑर्डर इसलिए सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ये आपको केमिकल काइनेटिक्स में ये पढ़ने वाला डिटेल मिलेगा। ओके चलिए अब हम देखते हैं मैकेनिज्म, देखते हैं इसका।
अब ये सिंगल स्टेप कंटिन्यूस प्रोसेस होता है, देखो इसमें न्यूक्लियर फाइल बैक साइड से अटैक, फ्रंट साइड से नहीं करेगा क्योंकि यहाँ पे लाइक चार्जेस रिपल ईच अदर, तो बैक साइड से करेगा। और देखो कार्बन पे प्लस चार्ज है, इस पे माइनस, तो इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत फास्ट अटैक करेगा और लीस्ट हिंडर्ड है, हिंडेंस है नहीं क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, हिंडेंस होगा ही नहीं यहाँ पर, मतलब स्टेरिक हिंडेंस इफेक्ट होगा ही नहीं। तो न्यूक्लियर फाइल बैक साइड से अटैक करेगा और बनाएगा यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट। तो ये जो कार्बन है ये अटैकिंग न्यूक्लियर फाइल और लिविंग न्यूक्लियर फाइल दोनों के साथ पार्शियली बॉन्डेड रहेगा और उसमें नेगेटिव चार्ज जो रहेगा वो बराबर डिस्ट्रीब्यूटेड होगा इसमें। और यहाँ पे तीनों जो हाइड्रोजन एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहेंगे, मतलब एक्सिस के परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर रहेगा, और उनका जो बॉन्ड एंगल रहेगा वो रहेगा 120 डिग्री। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ब्रोमाइड बाहर निकल जाएगा लिविंग न्यूक्लियोफाइल, और कार्बन और ओएच बॉन्ड यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना लेगा। देखो ये बॉन्ड बन गया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और ये आपका रिएक्टेंट का ऑपोजिट है, इसलिए इसको बोलते हैं क्या 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। और इसको सबसे पहले ऑब्जर्व किया था वाल्डन ने, इसलिए इसको बोलते हैं वाल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, बोलते हैं इसको वाल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्लियर है बेटा? तो देखो मैंने सब वर्ड्स लिख के रखा है, देखो बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियर फाइल, द न्यूक्लियर फाइल अटैक्स द कार्बन ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड फ्रॉम बैक साइड बिकॉज इट इज अ लीस्ट हिंडर्ड एंड देयर इज इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियर फाइल एंड पॉजिटिव चार्ज कार्बन एंड इट इज अ स्लो स्टेप एंड हेंस इट इज अ रेट डिटरमाइंड स्टेप। अब देखो यहाँ पर अब ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं, तो इन ट्रांजिशन स्टेट कार्बन इज पार्शियली बॉन्डेड टू अटैकिंग एंड लिविंग न्यूक्लियर फाइल एंड नेगेटिव चार्ज इवनली, मतलब बराबर डिस्ट्रीब्यूट, इवनली डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन दैम एंड द थ्री हाइड्रोजन आइटम लाई इन वन प्लेन परपेंडिकुलर टू द एक्सिस, मतलब ओ एच सी और बी आर एंड हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एंगल 120 डिग्री एंड कार्बन इज बॉन्डेड टू फाइव आइटम्स, हेंस इट इज इट हैज मैक्सिमम एनर्जी एंड हाईली अनस्टेबल। सब कुछ लिखा हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट, द वीक बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड ब्रोमिन ब्रेक्स कंप्लीटली एंड स्ट्रॉन्ग न्यू स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बिटवीन हाइड्रोक्सिल फॉर्म्स कार्बन हाइड्रोक्सिल फॉर्म्स साइमल्टेनियसली एंड गिव्स प्रोडक्ट मिथाइल एल्कोहल। ओके, और इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन मतलब यहाँ पे देखो इन्वर्जन ऑपोजिट होता है, तो मिथाइल अल्कोहल हैज कंप्लीट मींस 100% इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन टू दैट ऑफ मिथाइल ब्रोमाइड। ये क्यों होता है, रीजन पूछ सकते हैं, ड्यू टू बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियर फाइल एंड दिस इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन इज कॉल्ड वाल्डन, साइंटिस्ट के नाम पर है वाल्डन इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हाईलाइट करके रखे सारे पॉइंट्स मैंने और आपको पूरे मिल गया, जहां मुझे लिख के देना वो लिख के दिया, जहां नहीं दिया वो नहीं लिखा मैंने वहां पर। ठीक है, अब यहां पर आपके फैक्टर्स का मैंने डायरेक्ट एक टेबल बना दिया आपको, ठीक है ना। ओके, चलिए अब देखते हैं यहाँ पर टेबल थोड़ा समझते हैं, डिस्टिंग्विश भी हो जाता है, टेबल भी हो जाएगा और आपके एमसीक्यूज के लिए ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए अब मैंने यहाँ पे फैक्टर्स में देखिए, पहला फैक्टर लिया मॉलिकुलरिटी, मतलब मॉलिक्यूल SN2 में बाई मॉलिकुलर, SNO में यूनिमॉलिकुलर। ओके क्लियर, मॉलिक्यूल अब देते हैं टाइप्स ऑफ सबस्ट्रेट, SN2 में लेते हैं प्राइमरी सबस्ट्रेट, SN1 में लेते हैं टर्शरी सबस्ट्रेट। ओके, यहाँ पे प्राइमरी सबस्ट्रेट, यहाँ पे लेंगे हम लोग टर्शरी सबस्ट्रेट। ओके, अब काइनेटिक्स की बात करते हैं तो SN2 में होता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन और फर्स्ट, और SN1 में होता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब टाइप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स कितना होगा, SN2 में वन स्टेप, SN1 में टू स्टेप। न्यूक्लियोफाइल कैसा होगा, SN2 में स्ट्रॉन्ग होगा क्योंकि वो डायरेक्ट, क्योंकि वो सिंगल स्टेप होता है, तो डायरेक्ट एक ही स्टेप में अटैक करता है, इसलिए स्ट्रॉन्ग। और SN1 में वीक क्योंकि वो सेकेंड स्टेप में अटैक करता है, इसलिए वीक। अच्छा, डायरेक्शन ऑफ अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल कैसा होता है, SN2 में होता है ओनली बैक साइड अटैक और SN1 होता है बैक साइड एंड फ्रंट साइड, दोनों साइड से होता है। अच्छा, पोलैरिटी ऑफ सॉलेंट कैसा होगा, SN2 में हम यूज करेंगे नॉन पोलर, मतलब उसमें एग्जांपल बेंजीन, और SN1 में पोलर मतलब वाटर। सब लिखा है, आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अब देखो ट्रांजिशन स्टेट की बात करते हैं तो SN2 में होता है वन ट्रांजिशन स्टेट और SN1 में होता है टू ट्रांजिशन स्टेट। क्लियर है? उसके बाद फिर देखो बॉन्ड मेकिंग और बॉन्ड ब्रेकिंग, तो SN2 यहाँ पे SN2 है आपका, तो SN2 में साइमल्टेनियसली और SN1 में कैसा होता है, फर्स्ट बॉन्ड इन रिएक्टेंट ब्रेक एंड देन न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड इन प्रोडक्ट, ऐसा होता है। और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इंटरमीडिएट, तो SN2 में कोई इंटरमीडिएट है, अगर कभी पूछ लिया तो फिर ट्रांजिशन स्टेट पॉसिबली हो सकता है। अगर चार ऑप्शन ट्रांजिशन दिया तो फिर टिक करना, अगर ट्रांजिशन दिया तो फिर नो इंटरमीडिएट वहां दिया होगा, अगर नो इंटरमीडिएट तो उसको टिक करना है, समझा। ट्रांजिशन दिया है और नो इंटरमीडिएट दिया तो आपको नो इंटरमीडिएट में टिक करना है, अगर नो इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन तो ट्रांजिशन में टिक करना है, ऐसे याद रखना है, भैया ऑप्शन पे रहेंगे उसमें डिपेंड। और SN1 में क्या होता है, कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट रहेगा। ठीक है, अब स्टीरियोकेमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो SN1 में होता है इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन, कब होगा, इफ सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, कंडीशन है।
और SN1 में होता है रेसिमेशन, वो कब होगा जब सबस्ट्रेट इज ऑप्टिकली एक्टिव, नहीं तो नहीं। और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं तो SN2 में प्राइमरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव टर्शरी, SN2 की बात कर रहे हैं, और SN1 में टर्शरी मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी, सेकेंडरी मोर रिएक्टिव देन प्राइमरी। ओके क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, आपका अभी जाके फर्स्ट रिएक्शन हुआ है, अभी यहाँ पे छोटे छोटे रिएक्शन है, फटाफट हो गया। अभी एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है देखिए जरा, मैं सुधर ऊपर कर दूं, अल्फा कार्बन से हेलोजन निकालना और बीटा कार्बन से बीटा हाइड्रोजन निकाल देना है। तो और यहाँ पे आपको लेना है एल्कोहलिक लेना है, एक्वियस मतलब एक्वियस लिया कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा, और एल्कोहलिक लिया तो क्या होगा डीहाइड्रोहेलोजन, देखो यहाँ पे क्या हो रहा है डीहाइड्रोहेलोजनेशन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, देखो ये डीहाइड्रोहेलोजनेशन होगा और उससे क्या बनेगा आपका अल्किन बनेगा यहाँ पर। देखो अल्का हैलाइड्स हीटेड विद अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ KOH और NOH अंडरगो डीहाइड्रोहेलोजनेशन एंड क्या बनेगा अल्किन्स आर फॉर्म्ड। देखो एंड डीहाइड्रोहेलोजनेशन इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ हेलोजन फ्रॉम अल्फा, लिखा है ना हेलोजन फ्रॉम अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एडजेसेंट बीटा कार्बन। देखिए एडजेसेंट डिफरेंट मत लेना, एडजेसेंट लेना है आपको यहाँ पर, ठीक है ना। अब देखिए अब मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिए इथाइल ब्रोमाइड, तो अल्फा से मैंने हेलोजन निकाला और बीटा से हाइड्रोजन, तो देखो ये बन गया आपका इथाइलिन। अब डायरेक्ट डायरेक्ट बता चलता हूँ, ठीक है, ये हेलोजन पोटेशियम के साथ और हाइड्रोजन OH के साथ ऐसा अटैच होगा, देखो इस टाइप से। अब देखिए जरा, अब मैंने यहाँ पे लिया आइसोप्रोपाइल क्लोराइड, देखो अल्फा और ये देखो बीटा, इसमें दो होंगे, एक ये बीटा और एक ये बीटा, लेकिन दोनों में सेम हाइड्रोजन तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सेम हाइड्रोजन तो कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो आपने देखो अल्फा से हेलोजन बीटा से हाइड्रोजन निकाल दिया तो बन गया आपका प्रोपाइलिन, ठीक है, पोटेशियम क्लोराइड और वाटर, ये फिक्स रहेगा आपको बाई प्रोडक्ट, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे सेकेंडरी ब्यूटाइल, जरा यहाँ पे जरा ये इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ पे देखो बीटा 1 बीटा 2, तो देखो यहाँ पे दो हाइड्रोजन बीटा 2 के साथ बीटा 1 के 3 है, तो यहाँ पे सेटजेफ रूल लगेगा, ये रशिया में इसकी स्पेलिंग ऐसी सेटजेफ की, तो एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आइटम फ्रॉम एडजेसेंट कार्बन आइटम हैविंग लेसर नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम, वहां से निकालना है, देखो यहाँ कम है, यहाँ से अल्फा से हेलोजन और जिस हाइड्रोजन मतलब जिस बीटा के सबसे कम हाइड्रोजन, तो यहाँ बनेगा मेजर प्रोडक्ट 80% बनेगा और ये माइनर प्रोडक्ट, दूसरा यहाँ से निकाला तो माइनर, यहाँ से निकाला तो मेजर, बीटा 1 से निकाला तो माइनर, बीटा 2 से निकाला तो मेजर, क्योंकि यहाँ सेटजेफ रूल लगा, यहाँ पे क्या लग रहा है आपका सेटजेफ रूल लग रहा है यहाँ पे सेटजेफ, नहीं तो एक और तरीका है हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब उसमें क्या देखते हैं आप लोग हाइपर कॉन्जुगेशन अल्फा हाइड्रोजन, देखो डबल बॉन्ड का, डबल बॉन्ड का दिया अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से अटैच हाइड्रोजन अल्फा, डबल बॉन्ड का दिया अल्फा कार्बन उससे अटैच अल्फा, टोटल कितने हो गए 336 अल्फा हाइड्रोजन, इधर इधर देखेंगे तो दो ही अल्फा हाइड्रोजन है बस, तो स्टेबल ज्यादा आपका ये होगा। अल्किन की अगर आपको स्टेबिलिटी देखना है तो हाइपर कॉन्जुगेशन, मतलब जिसके जिस अल्किन के पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो स्टेबल, जिस अल्किन के पास सबसे ज्यादा अल्फा हाइड्रोजन होगा वो स्टेबल, ये आपका स्टेबल होगा, क्लियर। चलिए अब हम देखते हैं टर्शियरी ब्यूटाइल क्लोराइड, इस बार तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, ये अल्फा कार्बन देखो ये बीटा 1 बीटा 2 बीटा 3 तीनों का सेम हाइड्रोजन है तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, निकाल दिया हमने, बन गया आइसोब्यूटाइल खत्म। हाँ अभी एक नोट याद रखना है, नोट आपको ध्यान देना है, तो मिथाइल हैलाइड डज नॉट गिव दिस रिएक्शन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ बीटा हाइड्रोजन, देखो अगर आपने मिथाइल हैलाइड लिया तो इसके पास बीटा हाइड्रोजन कहाँ है, अल्फा हाइड्रोजन, अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जिस अल्काइल हैलाइड के पास बीटा हाइड्रोजन नहीं है उसका क्या नहीं होगा डीहाइड्रोहेलोजिनेशन मतलब एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा, ये आपको ये ध्यान रखना है। अब देखते हैं रिएक्शन ऑफ एक्टिव मेटल्स, तो यहाँ पे सबसे पहले लेता हूँ रिएक्शन में सोडियम मेटल मतलब वुड्स रिएक्शन ले रहा हूँ मैं यहाँ पर, देखिए अब मैंने यहाँ पे क्या किया देख लीजिए, मिथाइल आयोडाइड को मैंने सोडियम मेटल्स रिएक्शन किया, तो दो लेना है या सिंपल लिया है, दो कंडीशन है, सिंपल लिया अगर आपने सेम अल्काहलाइड लिया तो देखो ये निकल गया आपका सोडियम आयोडाइड बाहर निकल गया, अब इसको सेल्फ कपलिंग रहा, सेल्फ कपलिंग से बन गया आपका इथेन, डबल हो जाता है यहाँ पर और इसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम रहेगा, तो ड्राई इथर के प्रेजेंस में करना है। और यहाँ पर अगर आपने डिफरेंट ले लिया, डिफरेंट अल्काहलाइड लिया, तो पहले इसका सेल्फ कपलिंग कर दो, तो मिथाइल का डबल कर दो इथेन, इथाइल का डबल कर दो तो क्या हो जाएगा, इथाइल का डबल कर दिया तो आपका हेक्सेन, सॉरी ब्यूटेन होगा, सॉरी ब्यूटेन, ये ब्यूटेन, ये बनाया ब्यूटेन, और अब फिर इसका क्रॉस कपलिंग, पहले सेल्फ सेल्फ करना, सेल्फ किया मिथाइल ब्रोमाइड का सेल्फ किया तो इथेन बनेगा, और इथाइल का सेल्फ कपलिंग किया तो ब्यूटेन बनेगा, मिथाइल और इथाइल कंबाइन करके
प्रोपेन बनेगा और 6 NaBr, सबके साथ दो दो NaBr निकलेगा ना, तो ये बाहर आ जाएगा और इससे मीथेन नहीं बनेगा। मीथेन कैन नॉट ऑब्टेन बाय दिस मेथड, मीथेन नहीं बनेगा। ये शॉर्ट में क्विक रिविजन लिया हमने यहाँ पर, देखिए अगर आपने सेम अल्काइल लिया तो डबल हो जाता है कार्बन, और अगर डिफरेंट लिया तो तीन अल्काइल बनेंगे, ठीक है ना, जिसमें इवन नंबर रहेगा वो मेजर, जैसे इथेन में इवन है तो मेजर, ब्यूटेन इवन है तो मेजर, प्रोपेन ऑड है तो माइनर प्रोडक्ट, ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और इससे वुड से मीथेन नहीं बनता। ओके, अब लेते हैं रिएक्शन विद मैग्नीशियम मेटल। देखो अल्काइल हैलाइड को अगर हम मैग्नीशियम मेटल से रिएक्शन इन द मेथड ट्राई करते तो क्या बनेगा, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, तो इसको बोलते हैं ग्रिग्नार्ड डिएजेंट, याद रखना GR, ग्रिग्नार्ड डिएजेंट, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को बोलेंगे ग्रिग्नार्ड डिएजेंट, शॉर्ट में GR लिखते हैं उसको, ग्रिग्नार्ड डिएजेंट बन गया, ठीक है ना। अब आपको एग्जाम्पल जो लेना ले सकते हो, और बेस्ट ग्रिग्नार्ड होता है यहाँ पर मिथाइल आयोडाइड बेस्ट होगा, ठीक है, क्लियर है। चलिए देखो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बीइंग हाईली कैसा होता है, रिएक्टिव, रिएक्ट्स विद एनी सोर्स ऑफ प्रोटॉन टू गिव हाइड्रोकार्बन बनाएगा, वो क्या बनाएगा आपका वो हाइड्रोकार्बन, ठीक है। और अब ये क्या करा, देखो कैसे बना दोगे ग्रिग्नार्ड, हमने प्रोटॉन सोच एच प्लस और ये H, मतलब जो प्रोटॉन को प्रोवाइड करता है ना उसके साथ रिएक्शन करेगा, तो प्रोटॉन क्या करेगा अल्केन के साथ रिएक्ट करेगा यहाँ पर, अल्काइल ग्रुप यहाँ पर, तो अल्काइल या फिर अराइल भी हो सकता है, अराइल भी हो सकता है, तो अगर अल्काइल लिया तो अल्केन बनेगा, अराइल लिया तो बेंजीन बनेगा, और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है इसको ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो आप देख रहे हैं कार्बन किससे अटैच होता है, यहाँ पे कार्बन मैग्नीशियम से अटैच है, देख लीजिए यहाँ पे H3 कर देता हूँ, CH3, तो कार्बन किससे अटैच है, मैग्नीशियम से अटैच, मतलब अगर कार्बन मेटल से डायरेक्टली अटैच होता है देखो उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक, मतलब ऑर्गेनोमेटेलिक का मीनिंग क्या होता है, द कंपाउंड इन विच, ठीक है, द ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच, या फिर कंपाउंड इन विच कार्बन डायरेक्टली अटैच टू मेटल, उसको बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, तो ग्रिग्नार्ड यहाँ पे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है, ठीक है, ये पॉइंट थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा ऐसे। अब हम आते हैं रिएक्शन ऑफ हेलो अरेंज, जरा ध्यान देंगे, तो पहले लेते हैं यहाँ पर रिएक्शन विथ हेलोरिन विथ मेटल्स लेते हैं, तो उसमें देखिए वुड्स फिटिक रिएक्शन, वुड्स से आपका अल्काइल हैलाइड और फिटिक से आता है अराइल हैलाइड, देखो तो ये अराइल हैलाइड जो होता है फिटिक से आएगा, तो यहाँ पे आपका NaBr बाहर निकल जाएगा और यहाँ से बन जाएगा आपका अल्काइल बेंजीन, जनरल वर्ड क्या ले रहा हूँ यहाँ पे मैं, अल्काइल बेंजीन। अब एग्जाम्पल आप क्या बना सकते हैं यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पे बना सकते हैं मिथाइल बेंजीन, इथाइल बेंजीन, इस अल्काइल यहाँ ये चेंज होगा, बेंजीन तो वैसे ही रहेगा, सिर्फ मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल चेंज होगा, खत्म। वुड फिटिंग में अराइल हैलाइड और अल्काइल हैलाइड लेना पड़ता है आपको, ठीक है ना, क्लियर। अब फिटिंग रिएक्शन क्या था, अराइल हैलाइड, सिर्फ अराइल हैलाइड हो गई, NaBr बाहर निकल गया, दो रिंग क्या हो गया यहाँ पे ज्वाइंट हो गया, फ्यूज नहीं हो, ज्वाइंट हो, जिससे बोलेगा डाइफिनाइल बोलेंगे इसको, या फिर इसको बोलेंगे डाई अराइल जनरल वर्ड, या फिर आप इसको बोल सकते हैं बाय फिनाइल भी बोल सकते हैं, बाय फिनाइल वर्ड भी यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, देखो सिंपल सिंपल सी रिएक्शन है। फिर लेते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ हेलो अरेंज, देखो तो अराइल हैलाइड्स में ध्यान देना जरा, यहाँ पे मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ जरा इसको, अराइल हैलाइड्स डू नॉट अंडर गो, ध्यान देना, डू नॉट अंडर गो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है ना, उसका रीजन यहाँ पे एक तो आएगा आपका रेजोनेंस के कारण, रेजोनेंस के क्या कारण क्या आता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और दूसरा sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन, देखो ना अब ये हेलोजन है आपका, देखो अब यहाँ पे क्या होगा, रेजोनेंस होगा, तो क्या होगा देखिए, तो ये इलेक्ट्रॉन पे से आगे कोऑर्डिनेट हो गया, मतलब बाउंडेड हो गया, कॉन्जुगेट हो गया, तो मतलब रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेट हो, ऐसा बोलेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा, देखो थोड़े देर डबल बॉन्ड आ जाएगा, ऐसा देखो इस टाइप से, देखो देख रहे हैं आपको, ये देख लीजिए इस टाइप से, इसलिए इसमें इजीली न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होता। अराइल हैलाइड डू नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ड्यू टू फॉर रीजन, फर्स्ट है रेजोनेंस इफेक्ट, जिसके कारण क्या था, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, और यहाँ पे देखो हैलोजन किससे अटैच है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन के साथ, और ये डबल बॉन्ड कारण क्या होता है, बॉन्ड लेंथ डिक्रीज हो जाती है, ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान देना है, अगर हम अल्काइल हैलाइड की अगर बात करते हैं, अल्काइल क्लोराइड आपके इसका रहता है 178 पिकोमीटर हो जाएगा, और अगर आप अराइल हैलाइड की बात करेंगे, यहाँ पर अराइल क्लोराइड ले लेता हूँ, इसकी बात करेंगे तो 169 पिकोमीटर, ये याद रखना है, मैंने वर्ड्स में लिख के रखा, आप इसको पढ़ लीजिए आप इसको, ठीक है ना। अब देखिए
ठीक है ना, इसको पढ़ लेना देखो, ये पूरा आप पढ़ लेना इसको देखो, यहाँ लिखा है देखो, कार्बन क्लोरीन बॉन्ड इन क्लोरोबेंजीन इज स्ट्रॉन्गर एंड शॉर्टर देन क्लोरो अल्केन मॉलिक्यूल। तो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन क्लोरोबेंजीन इज 169 पिकोमीटर एज कम्पेयर टू कार्बन क्लोरीन बॉन्ड लेंथ इन अल्काहलाइड कितना 178 पिकोमीटर, हेंस इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक। एंड फिनाइल, अब यहाँ से याद रखना, फिनाइल कैटाइन प्रोड्यूस ड्यू टू सेल्फ आयनेशन ऑफ हेलोरिन विल नॉट स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। फिनाइल कैटाइन ये भी एक रीजन है, फिनाइल कैटाइन जो प्रोड्यूस होता है उसका क्यों होता है, ड्यू टू सेल्फ आयनेशन, खुद अपने आप आयनेस होता है उसके लिए, और क्या होता है वो स्टेबलाइज नहीं होता है रेजोनेंस के थ्रू। तो अब यहाँ पर रूल करना चाहिए SN1, लेकिन रूल करता है SN2 मैकेनिज्म, ये आपको याद रखना है। तो आप पढ़ लीजिए इसको, मैंने शॉर्ट में बता दिया है। अगर आपको यहाँ पे एराइल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करना है, तो अब कंडीशन है यहाँ पर, जितने ज़्यादा आपके इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट होंगे ऑर्थो पैरा पोजिशन पे, उतना फास्ट क्या होगा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जैसे आप देखिए, मैंने पहला लिखा है यहाँ पर, देखा ये लिखा क्लियर, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन इन हेलोरिन्स द ग्रेटर इज द रिएक्टिविटी। देखो अभी ये इस यहाँ का OH इसको रिप्लेस कर रहा है ना, तो क्यों होगा रिप्लेस, क्योंकि देखो ऑर्थो पर क्या है, यहाँ पैरा पर है, यहाँ तो ऑर्थो या पैरा पे क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कौन सा, नाइट्रो ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तब न्यूक्लियोफिलिक होगा। अगर ये ग्रुप नहीं होता तो रिएक्शन नहीं होती है, ठीक है ना। देखो दूसरी कंडीशन, देखो ऑर्थो पे भी प्रेजेंट है एनओटू ग्रुप और पैरा पे भी है, तो ये पहले की कंडीशन में फास्ट होगा, ठीक है, मैं फटाफट कंसिडर पता चल रहा हूँ। और देखो यहाँ पे ऑर्थो पे प्रेजेंट है, दोनों ऑर्थो पे और पैरा पे, तो ये और फास्ट होगा, तो रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगी जैसे जैसे आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप बढ़ाते जाएंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन स्पीड से होते रहेगा फास्ट। ओके चलिए अब देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन एराइल हैलाइड्स। देखो तो इसमें सबसे पहले देखते हैं हेलोजन, ये सबसे ईजी रिएक्शन है। देखो तो यहाँ पे क्या करेंगे, क्लोरोनियम आयन ले रहे हो, क्लोरोबेंजीन, तो ये क्या करेगा, ऑर्थो का क्लोरीन और पैरा के, मतलब ऑर्थो का एच और पैरा के एच को रिप्लेस करेगा, और मेजर प्रोडक्ट पैरा ही रहेगा, सारे प्रोडक्ट पैरा के इसमें, ठीक है ना। आपके हेलोजन डेरिवेटिव में कोई भी ऑर्थो का प्रोडक्ट मेजर नहीं है, सारे पैरा के प्रोडक्ट मेजर, याद रखने का सिंपल और शॉर्ट तरीका। ओके ऐसा करें, मैं अभी आपको फटाफट हिंट्स के फटाफट करके कवर करता हूँ। नाइट्रेशन लेंगे तो देखो नाइट्रो ग्रुप, यहाँ पे नाइट्रो न्यूक्लियोफाइल रहेगा, नाइट्रोनियम आयन रहेगा, तो नाइट्रोनियम आयन क्या करेगा, ऑर्थो का एच और पैरा के एच को रिप्लेस करेगा, और यहाँ पैरा का प्रोडक्ट मेजर देखो, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, यहाँ बनेगा 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन, ये मेजर प्रोडक्ट कुछ है नहीं, मेजर प्रोडक्ट याद रखना, MCQs में डायरेक्ट याद रखना, अब थोड़ा बोर्ड के लिए थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। अब सल्फोनेशन की बात करते हैं यहाँ पर, तो देखो यहाँ पे SO3H ग्रुप एज लिख ऑन पेज इसको लिख रहे हैं, SO3H क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा के एच को रिप्लेस करेगा, देखो 2 क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड और 4 क्लोरोबेंजीन सल्फ्यूरिक एसिड, तो मेजर प्रोडक्ट पैरा करेगा। लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल हम क्या यूज़ करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल आपको ध्यान देना है, यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं SO3, ध्यान रखना, यहाँ बहुत से बच्चे गलत करते हैं, जब भी सल्फोनेशन आए तो इलेक्ट्रोफाइल याद रखना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड एक्ट एज इलेक्ट्रोफाइल, हेलोजिनेशन में क्लोरोनियम आयन, नाइट्रेशन में नाइट्रोनियम आयन, और सल्फोनेशन में SO3, ये याद रखना, बाकी कुछ नहीं, वो तो ऑर्थो पैरा के एच को रिप्लेस करता है, क्लोरोबेंजीन जैसा तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, एक्टिवेटिंग है एंड ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, याद रखना आपको, ठीक है ना। फिर लेते हैं फिडल क्राफ्ट रिएक्शन, देखो फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, क्योंकि दो टाइप की होती है, फिडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, तो अल्काइलेशन में मतलब अल्काइल ग्रुप, देखो मिथाइल क्लोराइड, तो इसको बोलेंगे फिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन, तो मिथाइलियम आयन क्या करेगा, ऑर्थो और पैरा के एच को रिप्लेस करेगा, बहुत ईजी रिएक्शन है, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल बेंजीन, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन, तो ये मेजर प्रोडक्ट अल्काइलेशन, अगर मिथाइल लिया तो फिडल क्राफ्ट मिथाइलेशन, यहाँ इथाइल लिया तो फिडल क्राफ्ट इथाइलेशन, तो यहाँ पे जो न्यू इलेक्ट्रोफाइल है वो है अल्काइलियम आयन, ये यहाँ पर है इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोफाइल, ये आपको ध्यान रखना है यहाँ पर, ओके अल्काइलियम आयन, तो उसमें मिथाइलियम आयन इथाइलियम आयन जो लेंगे उस पर डिपेंड करता है वो। अब आज की ये लास्ट रिएक्शन और आपका चैप्टर फिनिश्ड, तो फिडल क्राफ्ट असाइलेशन, असाइलेशन आपके सिलेबस में एसिटिल ग्रुप है, यहाँ पर ये एसिटिलियम आयन, ये इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पर, ये क्या है यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है ना। तो देखो अब यहाँ पर अभी आपका इस पर प्लस चार्ज, ये इलेक्ट्रोफाइल यहाँ पे एसिटिलियम आयन, ये क्या करेगा ऑर्थो और पैरा के एच को रिप्लेस कर, देखो ऑर्थो का एच रिप्लेस किया, पैरा का एच रिप्लेस किया, तो 4 क्लोरो एसिटोफिनोन और सॉरी 2 क्लोरो एसिटोफिनोन और 4 क्लोरो एसिटोफिनोन, तो मेजर प्रोडक्ट पैरा का रहेगा, खत्म, कुछ है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो ये हो गया आपका चैप्टर खत्म, थोड़ा सा मतलब क्विक रिविजन लिया है यहाँ पर, बाकी सब लिया है आपको पहले
जिन लोगों ने पहले पढ़ के रखा है उन्हीं को ये समझ में आएगा, वन शॉट लेक्चर उन्हीं को जल्दी समझ आते हैं, जो पहली बार करेंगे उनको नहीं आएगा जल्दी समझ में। हाँ अगर उनका कंसेप्ट अच्छा है तो आ जाएगा, ऐसे नहीं बोलता कि नहीं आएगा, लेकिन ये बेनिफिशियल किन लोगों के लिए रहता है, जो पहले पढ़ के बैठे उनके लिए वन शॉट है। अब कल इस पर टेस्ट है बच्चा, तो अभी आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट के लिंक दूंगा, उसमें जाके आपको टेस्ट देना है ठीक है ना। और उसका रिजल्ट देखो मॉर्निंग 7 से लेकर इवनिंग 7 तक आपको टेस्ट कभी भी दे सकते हैं, ध्यान देना है इसमें, मैं आपको थोड़ा समझा देता हूँ। मॉर्निंग 7 AM से लेकर कल 8 है, कल टेस्ट है 8/12/2020 ठीक है। ये 7 AM से लेकर 7 PM तक आप कभी भी टेस्ट देते हैं जब भी आपको टाइम मिले, और 8 बजे 8 PM को आपको 8 PM के बाद आपका रिजल्ट डिक्लेयर हो जाएगा। उसे वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, वेबसाइट की लिंक जो रहेगी ना वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, उसमें देख लेना, वहाँ क्लिक करके वहाँ टेस्ट देने चले, पहले इसको देख लीजिए वन शूट लेक्चर, बाद में टेस्ट दे लेना 7 to 7। ये कल सुबह 7 बजे लेक्चर आपका आपको मिल जाएगा देखने के लिए, इसका प्रीव्यू में डाल दूंगा, सुबह 7 बजे ये आपको लेक्चर देखने मिल रहा है आपका। ओके चलिए फिर बच्चा पार्टी बाय, और आप लोग क्या करो ज्यादा ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इसको क्या करो सब्सक्राइब करने लगाइए ठीक है, इसको लाइक कीजिए जिससे हमको ज्यादा ज्यादा एनर्जी मिले और हम अच्छा अच्छे अच्छा काम करें। देखिए मैंने आपका टेस्ट भी रखा है, वन शॉट लेक्चर हो गए, टेस्ट शुरू हो गया, आपके टेस्ट शुरू कर दिया यहाँ पर मैंने आप लोगों के, फ्री टेस्ट है, किसी को पैसा नहीं लगेगा, आपको टेस्ट देना है इसमें ठीक है ना। वेबसाइट की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दी गई है, और ज़्यादा ज़्यादा शेयर करना है, जितने ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को दे सकते दीजिए ओके, और सब्सक्राइब ज़्यादा करने लगाइए ठीक है ना। अब यहाँ से एक बहुत बढ़िया काम होने वाला है आपका देखिए ठीक है। चलिए अब यहाँ पे स्टॉप करते हैं अपना लेक्चर ओके, चलिए बाय बेटा, मिलते हैं कल फिर।